पहली बार जाति धर्म से दूर हटकर गारंटियों पे चुनाव हुआ है। अरविंद जी की हमेशा यही चाहत रही है कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं, और उस बदलाव की शुरुआत पूरे देश में हो गई है। तो हमारे लिए आज की दिन बहुत ही मतलब सफलता की घड़ी है, हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि पूरे देश की राजनीति बदल रही है। जनता ने इस चीज को जाना है, समझा है, और अपने हित में जो योजनाएं हैं योजनाओं को समझते हुए जनता ने वोट किया है। क्या तो सभी सभी नेताओं को, प्रवक्ताओं को आपने सुना जो लगातार जीत के दावे कर रहे हैं। खैर, असल में जो नतीजे हैं, जनादेश किस ओर गया है ये तो कुछ ही समय में क्लियर हो जाएगा। महाकवरेज के जरिए लगातार आपको दिखाएंगे कि किसके सर ताज सजने वाला है। रविंद्र, न्यूज 18 राजस्थान ने भव्य सेट तैयार किया हुआ है यार। राजस्थान विधानसभा के बाहर पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार तो जुड़ेंगे ही, साथ में तमाम आम लोगों की राय लेने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है अजमेर में, सीधा रुख करेंगे। अशोक भाटी हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बताइए यहां तैयारी मतगणना को लेकर किस तरीके से हो रही है? जी बिल्कुल, करीब 40 मिनट में जो 88 प्रत्याशी अजमेर के, उनके भाग्य का फैसला यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज से होने वाला है। और इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं और सुरक्षा की बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, जिसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल एजेंट हो या फिर कर्मचारी हो उनके पास और जो दस्तावेज हैं देखने के बाद ही उन्हें अंदर अनुमति दी जा रही है। अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, यहाँ ब्यावर ब्लॉक्स है, उसके अलावा अजमेर दक्षिण और उत्तर के साथ ही पुष्कर और नसीराबाद अलग अलग ब्लॉक जो है 8 विधानसभा के वो बनाए गए हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं के साथ अब कुछ देर बाद में ही सभी जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला यहाँ पर आने वाला है और भाग्य के फैसले के बाद ही जो सरकार का चेहरा है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी आपने सुना अलग अलग दल अपने अपने दावे कर रहे थे, लेकिन अब कितने दावे उनके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं वो 8 बजे बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी वो सबके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर ली गई हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में अलग अलग ब्लॉक जो बनाए गए हैं उसमें 8 बजे से स्ट्रांग रूम खुलेंगे। 8 बजे बाद जो है बैलेट पेपर की सबसे पहले जो है काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद जो है ईवीएम मशीनों को भी खोला जाएगा। तो अलग अलग जो है टेबल पे ये काउंटिंग शुरू होने वाली है और इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अजमेर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एसपी जो चूनाराम जाट हैं वो तमाम ब्लॉक्स में अलग अलग जाकर स्ट्रांग रूम की चेकिंग कर रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा है और किस तरह के बंदोबस्त है और किस तरह से माकूल रूप से इस व्यवस्थाओं को अंजाम देते हुए शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं बनाई जा सके। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम मौजूद हैं, पल पल की आपको अपडेट देंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाएंगे। ये अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, पूरी कॉलेज में 8 ब्लॉक हैं, 8 विधानसभा यहाँ पर हैं। तमाम प्रत्याशी जो हैं और उनकी जो व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है और अब इंतजार हो रहा है कि तकरीबन 1 घंटे बाद रविंद्र जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ताजा स्थिति की बारी है, यानी कि बारी है नतीजों की। इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है क्योंकि चंद समय बाद में काउंटिंग की शुरुआत, 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उनके बाद अब बारी आएगी ईवीएम की। राजस्थान की 199 सीटों के नतीजे आज घोषित होंगे। बिल्कुल हेमंत, मात्र 1 घंटे 50 मिनट का समय जो है वो बचा हुआ है और सबसे बड़ी टीम के साथ हम बता रहे हैं कि आज का किस तरीके से वोटिंग जो है, काउंटिंग जो होगी, जो मताधिकार का प्रयोग जनता ने कर दिया था वो किस तरीके से होने वाली है और हर एक जगह पर, यानी चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है। और सबसे पहले हेमंत अरबाज के पास चलेंगे। बिल्कुल अरबाज करेंगे, लेकिन पहले हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि आज जनादेश किसे मिलेगा, जनादेश कौन होगा सत्ता का सरदार, इसका हर किसी को आज है इंतजार। और प्रदेश में बंपर मतदान और एग्जिट पोल के रुझानों के बाद अब ऊंट किस करवट आज बैठेगा, तस्वीर थोड़ी देर में साफ होगी। सीधे हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। अरबाज अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ और साथ ही हम बताते चले कि चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता आज तैनात है, जनता के बीच से लेकर के बूथ तक जहां पर गिनती हो रही है वहां पर भी हमारे संवाददाता सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे, रिपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ अरबाज का रुख करते हुए, अरबाज अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को है, तस्वीरें दिखाइए और अब बताइए कि कितना वक्त है जब काउंटिंग की शुरुआत होने जा रही है। जब शुरू
जी बिल्कुल हेमंत, देखिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा सत्ता का महासंग्राम और सबसे बड़ी टीम न्यूज 18 राजस्थान की जमीन पर मौजूद है। 199 विधानसभा सीटों के ऊपर 1862 उम्मीदवारों की किस्मत के ऊपर लगा 25 नवंबर को ताला अब सिर्फ 2 घंटे में खुलने वाला है और इस 2 घंटे के बाद में ये तकदीर जो है सामने आ जाएगी खुल के कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। 3,92,00,000 मतदाताओं ने जो राजस्थान में अपने मताधिकार का उपयोग किया है ईवीएम से और करीब 4,66,000 बैलेट पेपरों को करीब करीब देखिए 4,000 राउंड में गिना जाएगा, 2,500 टेबल होंगी, 36 केंद्र होंगे, 2 केंद्र मेरे पीछे जयपुर में। ये देखिए सुरक्षा की जो व्यवस्था है चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, एजेंट्स आने लग गए हैं, ट्रैफिक को लेकर के बाकायदा पूरी तैयारी की गई है। 199 सीटों पर हमारी पूरी टीम रहेगी, सारे लोग रहेंगे बाकायदा एक एक सीट पर, हर एक सेकंड पर, हर एक राउंड की पूरी जानकारी। आसिफ हमारे साथ में मौजूद है, पूरी तैयारी करेंगे विधानसभा से। कौन सी सीट पर रहेंगे आसिफ? देखिए मैं बस्सी और जम्बा रामगढ़ देखने वाला हूँ अरबाज, और मैं आपको बताऊं कि पो फटने वाली है। और आप यहाँ एक बार मैं नवीन से कहूंगा, हमारे सीनियर कैमरामैन से, कि वो एक तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मीडिया का जमघट लग चुका है। और साथ ही साथ अरबाज जो है ये बैरिकेड के बाहर कुछ ही देर के अंदर 8 बजे वो समय होगा जब रुझान और वो सारी चीजें सामने आने लगेंगी चुनाव से जुड़ी हुई, जिसका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ अरबाज ये भी देखिए आप, पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट्स आने लग गए यहाँ पर, भाजपा के कैंडिडेट पहुंच गए। जो आपकी किस्मत का फैसला खुलने वाला है, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी है, टेंशन है? नहीं, चिंता तो मुझे नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। जी बिल्कुल चिंता नहीं, हमारे साथी लवली लगे हुए हैं बाकायदा। कौन सी विधानसभा सीट पर? देखिए मेरे पास में विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है और उसके बाद साथ में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र है और उसके अलावा भी कॉमर्स कॉलेज के अंदर अधीन आने वाले जो तमाम विधानसभा क्षेत्र है उन पर हमारी पैनी नजर रहेगी। सबसे बड़ी टीम हमारे साथ में है और आपको बता दें कि मतगणना बिल्कुल उपेन्द्र यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया हमने सुनवाई है, इंतजार है अब नतीजों का, सबसे पहले रुझान का। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने से, जहां आज जो नतीजों का इंतजार हो रहा है, उस विधानसभा में कौन कौन नए विधायक चुनकर के आएंगे, जनता किन पर मोहर लगाएगी, उसका इंतजार है। प्रियंका हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने से, और सबसे तेज सबसे सटीक रुझान और पहला रुझान क्या होगा वो बताने के लिए श्रुति हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं, पूरी टीम के साथ में आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। अरबाज हमारे साथ हैं, पल्लवी मेरे साथ हैं। पल्लवी हम सीधा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को राजस्थान विधानसभा के ठीक बाहर। बिल्कुल प्रियंका वहां पर मौजूद है। प्रियंका कितनी हलचल देखने को मिल रही है, हालांकि अभी टाइम है लेकिन तड़के सुबह से ही सभी की प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी थी, मंदिर जाना शुरू हो चुके थे। प्रियंका बिल्कुल पल्लवी, बेहद खास आज का दिन। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का, मैं आपके साथ प्रियंका राय। विधानसभा के ठीक बाहर महासंग्राम 2023 को लेकर आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पता चलेगा कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। राजस्थान ऊंट के लिए भी जाना जाता है और सियासत का ऊंट किस ओर बैठेगा इसका फैसला आज हो जाएगा। हालांकि जनादेश तो 25 नवंबर को ईवीएम में कैद हो गए थे, लेकिन ये जनादेश किस ओर था, जनता किस ओर गई है, किसके साथ अपना रुझान जनता ने दिखाया है, वो रुझान धीरे धीरे करके सामने आने लगेंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और नतीजे सबसे पहले सबसे पहले हम बताएंगे क्योंकि सबसे बड़ी टीम के साथ न्यूज 18 राजस्थान पूरी तरीके से तैयार है और तैयार श्रुति भी है पहला रुझान बताने के लिए। श्रुति, हलचल तो बहुत देखी जा रही है रट पर, आप बताइए। और बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और आज हम पूरे रिजल्ट अपडेटेड टीम यानी रेड टीम के साथ मौजूद है इस समय। और ये भी आपको बताएंगे कि 199 विधानसभा सीटों पर कौन कहां से जीतता है। 7 संभागों में अगर देखा जाए तो टफ फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखी जा रही है और साथ ही इस बार नहीं बोलना चाहिए कि किंग मेकर के रूप में चाहे वो बागी प्रत्याशी हो चाहे वो श्रुति अन्य हो। नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल फिर से आपके पास लौटेंगे, पहले रुझान की प्रतीक्षा में इंतजार और आज की सुबह कुछ नहीं है, कुछ अलग है, कुछ अलहदा है और इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है क्योंकि सबकी निगाहें इस वक्त की हुई है कि राजस्थान के साथ साथ जो 4 और विधानसभाओं के साथ नतीजे हैं उन पर भी हमारी पूरी नजर रहेगी। लेकिन हम आपको सीधे ले चलते हैं सूर्य नगरी की
पहली किरण के साथ स्वागत करने के लिए हमारे सहयोगी रंजन दवे वहां पर जोधपुर में मौजूद हैं, कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। रंजन, सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण जहां पर आप खड़े हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से आते हैं और इंतजार जो है यहां के लोगों का बेसब्री से हर बार की तरह इस बार भी है, कैसा माहौल है पहली किरण के इंतजार के साथ, नतीजों का भी इंतजार है? देखिए, सूर्य नगरी जोधपुर और आज का जो दिन अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर इस बड़ी सब्री बेसब्री से इस दिन का इंतजार है, क्योंकि परिणाम आने वाला है और जोधपुर पर सभी की निगाहें हैं। जोधपुर पर सभी की निगाहें इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े हैं और उनके सामने महेंद्र सिंह राठौड़ ने दावेदारी की थी और वो भी कड़ी टक्कर के रूप में उन्होंने चुनौती दी है। हालांकि जानकारों का ये कहना है कि लगातार अशोक गहलोत यहां से जीतता है तो इस बार भी जीत आएंगे। अब भी जीत का अंतर क्या होता है यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाएगा कि कितने वोटों से लीड लेते हैं या क्या कुछ उलटफेर होता है या किस तरीके से रहता है। इसकी तरीके से जोधपुर की पूर्ण बहुमत आएगा, उसके ऊपर कितने भी आ जाए पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है कांग्रेस की। थैंक यू गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत आएगा, पूरी आशाएं हैं, पूरी उम्मीदें हैं पार्टियों को। रंजन अभी जी, रंजन बताइए जी। तो मैं बात कर रहा था जोधपुर शहर विधानसभा की और तकरीबन 2 लाख के आसपास मतदाता है। मनीषा पंवार कांग्रेस की ओर से और अतुल भंसाली ने यहां भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। बागी के रूप में डॉक्टर अजय त्रिवेदी आरएलपी से यहां मैदान में थे। आप पार्टी के रोहित जोशी भी यहां मैदान में थे। चतुष्कोणीय मुकाबला कहा जा रहा था लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहां कांटे की टक्कर है, पेच यहां फंसा हुआ नजर आ रहा है। विगतवार चुनाव में अगर बात करूं तो मनीषा पंवार यहां से विजयी हुई थी, जीत का अंतर महज 5,000 के आसपास था तो इस बार भी कयास कुछ ऐसे ही लगाया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो बागी हैं, दोनों ही ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में यहां चुनाव मैदान में उतरे थे, वो कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं और दोनों ही जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस की, दोनों के कार्यकर्ता, दोनों प्रत्याशी की जो है साथ से अटकी हुई है, एक महत्वपूर्ण सीट के रूप में यहां देखा जाएगा। उसी तरीके से सूरसागर के रूप सीट की अगर मैं बात करूं तो तुष्टिकरण की बात यहां एक बार फिर उठी थी और यहाँ अयूब खान जो पूर्व में प्रत्याशी थे उनके पुत्र शहजाद खान को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था और वहीं सूर्यकांता व्यास जो लंबे समय से वयोवृद्ध नेता के रूप में विधानसभा में सूरसागर का नेतृत्व करती आई थी उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि बिल्कुल तो इस बार जो बागी है वो माने जा रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में रह सकते हैं क्योंकि हेमंत पोल्स ऑफ बहुत जल्दी रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे और जो अलग अलग तरीके से अभी भी जीत के दावे के लिए हर कोई आश्वस्त नजर आ रहा है दावों के साथ साथ। आइए सुनते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अभी आ रही हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से। उन्होंने पूरा समर्थन और आशीर्वाद कांग्रेस के कैंडिडेट्स को दिया है क्योंकि जो कांग्रेस की गुड गवर्नेंस 5 साल में रही, जो योजनाएं रही, जो गारंटी 10 महंगाई रात कैंप में रही और फिर 7 गारंटी हमने जो आगे दी है, हमारा जन घोषणा पत्र है, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का हमने वादा किया है, किसानों से MSP का वादा हमने किया है, 2000 पेंशन का वादा हमने किया है, कोरोना काल में बेहतर जो मैनेजमेंट हमने किया, लोगों की जाने बचाई, किसी को भूखा नहीं सोने दिया और जो राइट टू हेल्थ और मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट जैसे एक्ट ला करके लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा भी दी है और लोगों में एक पूरा विश्वास जगा है कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है सबको साथ लेकर के किया है तो निश्चित रूप से दोबारा यही सरकार बननी चाहिए क्योंकि 8 से 13 में अच्छी योजनाएं थी लेकिन सरकार नहीं बनी तो वो रुक गई थी। इसलिए अब की बार राजस्थान के जागरूक मतदाताओं ने कहा कि हम सरकार रिपीट करेंगे, हम रिवाज को तोड़ेंगे और सरकार दोबारा से कंटिन्यू कांग्रेस की बनाएंगे। उम्मीद है, मतलब पूरी उम्मीद है। कितनी सीटों की उम्मीद मानते हैं? पूर्ण बहुमत आएगा, उसके ऊपर कितने भी आ जाए पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है कांग्रेस की। मतगणना में जिस तरीके से मुझे चुनावी सभाओं में बीकानेर की जनता का अपार समर्थन मिला, स्नेह मिला, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तो मुझे बीकानेर की जनता का समर्थन मिलेगा और मैं उनके समर्थन से विधानसभा में प्रवेश करूँगा। राजस्थान में क्या लग रहा है आपको? राजस्थान में जो
राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की जो योजनाएं थी, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट कुएं वालों को बिजली फ्री, 25,000 लीटर पानी निःशुल्क और घर बैठे 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपया महीना पेंशन और 15% प्रतिवर्ष वृद्धि, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, ऐसी अनेक योजनाएं जो थी जो लोगों को लाभ देने वाली थी। रसोई गैस जो पहले 500 रुपये में दे रहे थे, 1,04,00,000 लोगों को 400 रुपये में मिलेगी। इन योजनाओं का लाभ सीधा आम जनता को मिलेगा, उनके घरेलू बजट में बचत होगी। हमारे जितने भी बजट आए वो बचत, राहत और विकास वाले बजट थे। इसके कारण से लोक कल्याणकारी योजनाओं और विकास के नाम पर कांग्रेस राजस्थान में जीतेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। तो लगातार जीत के दावे किए जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, सबके तरफ से बयान सामने आ रहे हैं और दोनों ही पार्टियों का यह दावा कि बहुमत से सरकार बनाएंगी। कांग्रेस का यह कहना है कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी दिखा रहा हो, एग्जैक्ट पोल जो है वो ऐतिहासिक होगा और जो नतीजों में तब्दील होकर के तस्वीर सामने आएगी उसमें कांग्रेस मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे जबरदस्त तरीके से उत्साहित है और उसका कहना है कि रिवाज की तरह इस बार भी सरकार बदलेगी और बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं और चर्चा की शुरुआत भी हम करेंगे क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले जयपुर जाते हैं और रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रोशन शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रोशन, जयपुर में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या हलचल वहां पर चल रही है? देखिए रविंद्र, बिल्कुल इस वक्त मैं राजस्थान कॉलेज के अंदर मैं मौजूद हूँ। मैं तस्वीरें आपको सीधे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्ट्रांग रूम है वो अब खुलना शुरू हो गए हैं, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर जो तमाम जो स्ट्रांग रूम यहाँ पर बनाए गए हैं वो खोले जा रहे हैं। आप ये देखिए रूम नंबर 51 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियोग्राफी यहाँ पर करवाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टि से जो पुलिस की सुरक्षा है, तमाम उन सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद हैं, वो उन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम है वो यहाँ पर खोला जा रहा है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ठीक 8 बजे रविंदर जो मतगणना है उसकी शुरुआत यहां पर हो जाएगी। इससे पहले जो वोटिंग जो सेंटर जो बनाए गए हैं वहां पर डाक मत पत्र यहां पर पहुंच गए हैं, रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई है। इससे लेकर कल इससे पहले जो मॉक ट्रायल होती है वो भी यहां पर की गई थी, किस तरीके से गणना वगैरह, तमाम यहां पर जो कार्मिक है उन्हें ट्रेनिंग दी गई। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि मैं दिखाने की यहां पर कोशिश करता हूं कि अब यहां पर जो हलचल है वो हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर इलेक्शन से जुड़ी हर एक पल पल की रविंदर हम जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ईवीएम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर आप ईवीएम की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो ईवीएम मशीनें हैं अब उन्हें यहाँ पर खोल लिया गया है। सबसे पहले जो मतपत्र है उनकी काउंटिंग होगी और उसके ठीक बाद में जो ईवीएम मशीन से जो राउंड है, तमाम जो राउंड यहाँ पर होंगे, ये जो पूरी काउंटिंग यहाँ पर होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी रोशन, प्रत्याशी बिल्कुल कोई ज्यादा इंतजार अब नहीं करना है। 8 बजे का वो वक्त होगा जब मतगणना की शुरुआत हो जाएगी और न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से बिल्कुल हाईटेक तरीके से और सबसे तेजी के साथ आप तक आज खबरें पहुंचेंगी और ये टैलीज के रुझान धीरे धीरे 8 बजने के बाद बदलने शुरू हो जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज जोधपुर से, कुछ ही देर में मतगणना की शुरुआत यहां भी होगी। 8 बजे से बैलेट पेपर की मतगणना शुरू होगी और 8:30 बजे ईवीएम को खोला जाएगा। 9 बजे तक माना जा रहा है कि पहला रुझान आ जाएगा जोधपुर में। 10 विधानसभा सीटें जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा सरदारपुरा भी शामिल है। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ चयनिका उनियाल जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ राकेश गोयल जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही अलका गुर्जर जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैम आप सभी लोगों का। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल अलका गुर्जर जी आपसे यही, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उससे आप लोग काफी उत्साहित हैं लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी योजनाओं का अंडरकरंट है। एग्जिट पोल्स को खारिज कर रही है कांग्रेस सीधे तौर पर और कह रही है कि आप देखिएगा कि इस बार जो रिवाज है वो पलट जाएगा। देखिए कांग्रेस की किस बात का विश्वास जनता करे, क्योंकि जो उन्होंने पिछली बार घोषणाएं की थी एक भी घोषणा वो पूरी नहीं कर पाए। और जो अंडरकरंट की बात कर रहे हैं, करंट तो बिलों में लग ही रहा था
और सब कुछ अंडर अंडर ही चल रहा था सचिवालय में, जो सोना और पैसा मिलना ऐतिहासिक है, न भूतो न भविष्यति। तो करप्शन, तुष्टीकरण और इनकी जो फ्लॉप योजनाएं हैं, जो कांग्रेस केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार का जो पैसा है उसको भी ये यूटिलाइज नहीं कर पाए, जनता और जो सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ, महिलाओं ने जो त्राहिमाम किया है, वीरांगनाओं की धरती जो शर्मसार है, तो जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। और जो एग्जैक्ट पोल है वही एग्जैक्ट पोल होंगे, उससे ज़्यादा ही बहुमत बीजेपी लाने वाली है। चयनिका जी, सवाल मेरा आपसे है और ये कि ये चुनाव राजस्थान का ऐसा रहा है, चाहे चुनाव से पहले की स्थिति हो, चुनाव वाले दिन की स्थिति हो, या उसके बाद जो एग्जिट पोल के अनुमान लगाए गए, उसमें टक्कर कांटे की होती हुई देखने को मिल रही है और दावे भी उसी हिसाब से किए जा रहे हैं। अब ज्यादा वक्त है नहीं जब नतीजे आएंगे। जी देखिए, ऐसा है कि जो रिवाज बदलने की बात हो रही थी, तो मैं कहूंगी कि जब आप ये कहते हैं कि कांटे की टक्कर है, तो आधा रिवाज तो वहीं बदल गया, क्योंकि अब तक, आज तक ऐसा नहीं हुआ राजस्थान में पिछले 20 साल के अंदर कि जब सत्तारूढ़ पार्टी को लिए कहा गया हो कि वो कांटे की टक्कर में है। तो आधा रिवाज तो हमने, यानी कि आधी जीत तो वहीं है, और 9 बजे के बाद पूरी जीत मिल जाएगी। जैसा कि अलका जी ने कहा कि फ्लॉप हमारी योजनाएं थी कांग्रेस की, तो मैं कहूंगी कांग्रेस की योजना अगर फ्लॉप होती तो वो कांटे की टक्कर में होती नहीं। अभी बीजेपी बहुत कंफर्ट जोन में होती है और उनको लगता है कि हम सरकार बना रहे हैं। राजस्थान एक ऐसा भारत के अंदर पहला राज्य बना जिसने ओपीएस दिया, राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना जिसने 25 लाख रुपए का बीमा दिया, और बाकी योजनाएं तो छोड़ ही दीजिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट योजनाएं थी कि जिसमें हमने महंगाई राहत शिविर के अंदर महंगाई से राहत देने के काम किया, तो हम काम के बल पर जो है कांग्रेस वापस सत्ता बिल्कुल बीच में। कांग्रेस की प्रवक्ता है, साफ तौर पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगी ही सामने, लेकिन सवाल तो ये उठाना कि 5 साल के लिए सरकार आई थी, ये 6 महीने पहले क्यों सब कुछ किया गया? नहीं, 6 महीने आप ये देखिए कि 5 साल पहले सरकार आई, आप ओपीएस तो बहुत पहले, सबसे पहले राजस्थान में आई, उसी के बाद आप देखिए उसको फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ में भी आई, आपके हिमाचल, तो हम चुनावी उसके आधार पर जीते थे, हमने ये नारा दिया था कि हम जो है ओपीएस लेकर के आएंगे। और आप ये देखिए महंगाई राहत शिविर तो कम से कम 1 साल पहले से लगने शुरू हो गए, 25 लाख का बीमा की जो बात हो रही थी, या फ्री आपके स्वास्थ्य लाभ की बात हो रही थी, तो ये तो 2008 वाली सरकार में भी जो है फ्री दवाई योजनाएं दी थी। तो ऐसा नहीं है कि पहले 6 महीने पहले किया हो, बहुत सारी योजनाएं हैं जो 6 महीने पहले अनाउंस। बीजेपी ने जो मुद्दे खड़े किए उनमें कितना दम है? राकेश गोयल जी हमारे बीच में है। राकेश जी, कांग्रेस अपनी योजनाओं और इन तमाम बातों को लेकर मैदान में है, लेकिन बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद कह रही है कि देखिए जीत हमारी ही होगी, तो क्या मुद्दे ऐसे रहे जिससे आपको लग रहा है कि वाकई अगर ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो मजबूती से कुछ मुद्दे बीजेपी ने खड़े कर दिए कांग्रेस के आगे? देखिए मुद्दे बहुत सारे रहे, जैसे सरकार ने पिछले 6-8 महीनों में ज्यादा काम किया और पिछले 4 साल तो लगभग वो साइलेंट ही रही राजस्थान सरकार, और जो भ्रष्टाचार को लेके मुद्दा बनाया, जो महिला अत्याचार को लेके, महिला सुरक्षा को लेके मुद्दा बनाया, लगभग हर रोज 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, तो ये बड़ा मुद्दा था। छात्रों के जिस तरीके से पेपर लीक के मामले आए, जिस तरीके से सचिवालयों की अलमारियों में सोना चांदी और पैसे की भरमार निकली, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास टूटा मौजूदा सरकार से, और बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को समझाने में सफल भी रही, जिस तरीके से अभी ये नतीजे देखने को मिल रहे हैं। और केंद्र ने बहुत सारी ऐसा नहीं योजनाएं राजस्थान को लेके आए, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट से राजस्थान को जोड़ा, कुछ नई ट्रेनों की सौगात दी, और जल जीवन मिशन के लिए काफी सारा पैसा दिया, बहुत सारी योजनाओं में राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने फंडिंग करी, और केंद्र सरकार ने उस पैसे का पैसे को राज्य सरकार को दिया, और राज्य सरकार ने कुछ पैसे को शायद मिसयूज भी किया, जिसके आज आप देखते हैं कहीं घोटालों की जांच भी जारी है, और जिस महिलाओं का, छात्रों का, किसानों के बहुत सारे विषय रहे जिसकी वजह से आज बीजेपी बीजेपी नेता कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। थोड़े ही समय में मतगणना का रिजल्ट आना शुरू होगा, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि शाम होते होते तो भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की घोषणा होगी, भूमाफियाओं को और गुंडागिर्दी करने वालों को राजस्थान छोड़ना ही होगा, ये मान के चलिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वैसे वैसे रुकना पड़ेगा आपको। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये मैंने अभी अभी कहा है, सबको एक ही बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे ही प्रत्याशी जीत कर विधायक बनेंगे, विधायक दल की बैठक होगी,
सर्वसम्मति बनेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और उसके बाद जिसका नाम तय होगा वो मुख्यमंत्री। भाई साहब एक सेकंड रुक जाओ, रोलिंग। मतगणना से पहले बीजेपी मंदिरों में पूजा अर्चना करा रही है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया मोती डुंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। भाई साहब भगवान से क्या मांग लिया है? देखिए प्रथम पूजने गजानन जी महाराज से हमने वंदन किया है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व जैसे मुझे दायित्व मिला था मैं सर्वप्रथम प्रथम पूजने गजानन जी की सेवा में आशीर्वाद लेने हाजिर हुआ था और एक मन में एक सोच थी, कल्पना थी, ठीक उसी के अनुरूप जो सोचा उससे भी अधिक गजानन जी महाराज की कृपा हुई है। जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को अपार स्नेह दिया है तो मैं आज ये कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर सुशासन आएगा, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित होगा। आशीर्वाद में। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं जयपुर। हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त विधानसभा के बाहर उपस्थित है जहां पर भव्य तैयारी हमने की है, बड़ा सेट हमने लगाया है और दिन भर हाईटेक तरीके से हम आपको बताएंगे सबसे पहले रुझान, सबसे पहला नतीजा और राजस्थान की विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर। सीधा प्रियंका के पास चलते हैं जिनके साथ विशेष मेहमान भी है। प्रियंका चर्चा कीजिए, बस अब तो लगभग आधे घंटे का वक्त रह गया है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आस्था, आज दिन भर लगातार मेगा कवरेज विधानसभा के ठीक बाहर से हम दिखा रहे हैं, रिएक्शंस भी लगातार हम सुना रहे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वोट परसेंटेज पर अगर नजर डालें तो बंपर वोटिंग हुई है इस बार और जहां एक और कांग्रेस कह रही है कि राज बरकरार रखने के लिए वोटिंग हुई है तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कुशासन वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे। आप कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए सबसे अच्छी बात तो ये कि पोलिंग लगातार पिछले तीन चुनाव को देखें तो राजस्थान का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। लेकिन मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ, इस बार क्या हुआ कि करीब 50 लाख लोग आधार से जुड़ गए तो वैसा होता है कि जितनी अच्छी आपकी वोटर लिस्ट होगी उतनी ज़्यादा पोलिंग बढ़ जाती है। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक ही व्यक्ति चार चार जगह रजिस्टर हो सकता है अपने गाँव में जगह जगह और वो करीब करीब 10% वोटर है जिसने जो आधार से लिंक हो गया था तो वो रजिस्टर नहीं हो सकता तो वोटिंग ऑटोमेटिकली बढ़ने के चांसेस थे। इसके अलावा मैंने एक और बात बोली थी, कोविड के बाद करीब 13,42,000 जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो यहाँ लौट के आ गए और उनमें से बहुत लोग खेती छोड़ के वापस नहीं गए, जनकल्याणकारी योजनाएं भी उसका कारण हो सकती हैं। तो जो ज़्यादा वोटर हो गया उस वो ऑब्वियसली यहाँ पे वोटिंग ज़्यादा होगी। तो मैं मानता हूँ इतनी ज़्यादा वोटिंग नहीं थी कि वो किसी रिएक्शन के लिए, इसीलिए चुनाव और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा है। बिल्कुल चुनाव कन्फ्यूजिंग है, अब सिर्फ इंतजार है तो नतीजों का। आधे घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, मतगणना की शुरुआत होगी और लगातार रुझान भी आपको बताएंगे। मदन प्रजापत जी, लगातार जीत का दावा तो आप कर रहे हैं लेकिन क्यों, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुआ था तो 52,000 बूथों पे 1.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को कम मिला था, लगभग 2.5 वोट के था। लेकिन मैं इस बार जो राजस्थान की जनता का रुख, मैं परिवर्तन यात्रा में भी था, जनाक्रोश यात्रा में भी था, जनता के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क बिजली पानी, ये सरकार मूलभूत सुविधाएं देने के अंदर भी पूरी तरीके से फेल रही और राजस्थान की सरकार के पास में आज भी जब मुख्यमंत्री जी चुनाव में गए तो गिनवाने के लिए 5 कार्य नहीं थे, आने वाले टाइम की गारंटियां देते हैं। लेकिन इस राजस्थान ने ऐसी स्थिति देखी है प्रियंका कि एक महिला को नग्न अवस्था में बलात्कार करके और घुमाया जाता है। इस राजस्थान ने यह स्थिति भी देखी है कि एक बच्ची के साथ बलात्कार के बाद में टुकड़े करके बट्टी में डाल दिया। अब ये महिला मैं और बता देता हूँ, और ये जो वादे करते हैं वो जनता समझ गई कि 2018 में झूठे वादे करके और ये सरकार में बैठ गए थे लेकिन अब 2023 में इनका झूठ का पर्दा पास हो गया। तो मदन प्रजापत जी का कहना है कि झूठ का पर्दा पास हो गया और महिला अत्याचार जिसे लगातार मुद्दा बनाने की भी कोशिश की गई, महिलाएं बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ तक भी पहुंची, अब किसके हक में उनका फैसला है ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन राजेश जी, चूंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी 3 दिसंबर कांग्रेस छूम अंतर, लग रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इनका दावा खोखला दावा है। महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर इस बार मतदान किया है वो कांग्रेस के पक्ष में किया है, वो जनकल्याणकारी योजना है और जो तुरंत तरीके से जो कार्रवाई की है अपराधियों के खिलाफ उसकी वजह से कांग्रेस में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि महिला असुरक्षा की वजह से बढ़ चढ़कर मतदान किया।
देखिए उनको उनको बोलने के लिए कुछ भी है, बोलेंगे वो बोलने के लिए, बाकी जन सुविधाओं के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जनता ने मतदान किया है। और आप देखना 11 बजे इनकी दुकान बंद हो जाएगी और बोरिया बिस्तर बंद। मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। देखिए मर्दों का प्रदेश कहना अलग बात है, पर जो अपराध में जो तुरंत कार्रवाई की है कांग्रेस सरकार ने, 5 साल में इन्होंने एक भी आंदोलन खड़ा नहीं किया, किसी महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ, विकास के खिलाफ इन पे कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। वो 15 लाख रुपए हर खाते में देने वाली सरकार, 15 लाख रुपए हर खाते में देने वाली सरकार, 2 करोड़ नौकरी देने वाली सरकार, पूरे भारत से नदारद मिली है इनको बोलने के लिए। किसके दावों को जनता सराखों पर बैठाने वाली है, बस कुछ ही देर बाद रुझानों और नतीजों के जरिए साफ हो जाएगा। सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक अंदाज में हाईटेक तरीके से न्यूज 18 राजस्थान आपको लगातार ये आज कवरेज दिखाएगा, बिना ब्रेक के कवरेज दिखाएगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का अभी एक वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और नौ बिना ब्रेक के ये खबर और ये कवरेज लगातार जारी रहे। चुका है और वैसा इसलिए क्योंकि 1862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो था वो जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम पेटी में बंद कर दिया था और आज वो ईवीएम का जो पिटारा है वो खुलेगा। सभी प्रत्याशियों की दिल की धड़कने इसी वजह से बढ़ी हुई है कि किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी किस्मत के सितारे जो हैं वो गर्दिश में चले जाएंगे। बिल्कुल, और आज नतीजों का दिन है, दिन भर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे जैसे जैसे रुझान, पहले रुझान से लेकर के आखिरी नतीजे तक। आज न्यूज 18 राजस्थान पर आप हर पल पल की अपडेट देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी सुबह 8 बजे से, सुबह 8:30 बजे से ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी, ईवीएम से मतगणना की शुरुआत होगी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे न्यूज 18 राजस्थान पर। 2552 टेबल पर 4180 राउंड में गिनती की जाएगी। शिव विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 34 राउंड होंगे, अजमेर साउथ सीट पर सबसे कम यानी कि 14 राउंड होंगे और इस दौरान काउंटिंग जो है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल पल्लवी, सबसे बड़ी खबर है जो हम ब्रेक कर रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि 1862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज राजस्थान में होने जा रहा है। नतीजों का दिन है, परिणाम का दिन है, जो मेहनत की है पॉलिटिकल पार्टीज ने, राजनीतिक दलों ने, उस मेहनत का नतीजा आज क्या होगा, जनता के जनमत का इंतजार सबको था, वो घड़ी आज आ गई है और सबसे पहले सबसे तेज सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे नवीनतम तकनीक के साथ किस तरीके से कि कौन कहां पर कैसे जीत रहा है, किसके समीकरण फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं, एग्जिट पॉल, पोलो पॉल, और उसके बाद अब ताजा स्थिति की बारी है, यानी कि बारी है नतीजों की। इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है क्योंकि चंद समय बाद में काउंटिंग की शुरुआत, 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उनके बाद अब बारी आएगी ईवीएम की। राजस्थान की 199 सीटों के नतीजे आज घोषित होंगे। बिल्कुल हेमंत, मात्र 1 घंटे 50 मिनट का समय जो है वो बचा हुआ है और सबसे बड़ी टीम के साथ हम बता रहे हैं कि आज का किस तरीके से वोटिंग जो है, काउंटिंग जो होगी, जो मताधिकार का प्रयोग जनता ने कर दिया था वो किस तरीके से होने वाली है और हर एक जगह पर यानी चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। और सबसे पहले हेमंत अरबाज के पास चलेंगे। बिल्कुल अरबाज करेंगे, लेकिन पहले हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि आज जनादेश किसे मिलेगा जनादेश, कौन होगा सत्ता का सरदार, इसका हर किसी को आज है इंतजार। और प्रदेश में बंपर मतदान और एग्जिट पोल के रुझानों के बाद अब ऊंट किस करवट आज बैठेगा, तस्वीर थोड़ी देर में साफ होगी। सीधे हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, अरबाज अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ, और साथ ही हम बताते चले कि चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता आज तैनात है जनता के बीच से लेकर के बूथ तक, जहां पर गिनती हो रही है वहां पर भी हमारे संवाददाता सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे, रिपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ अरबाज का रुख करते हुए, अरबाज अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को है, तस्वीरें दिखाइए और अब बताइए कि कितना वक्त है जब काउंटिंग की शुरुआत होने जा रही है। जब शुरू
जी बिल्कुल हेमंत, देखिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा सत्ता का महासंग्राम और सबसे बड़ी टीम न्यूज 18 राजस्थान की जमीन पर मौजूद है। 199 विधानसभा सीटों के ऊपर 1862 उम्मीदवारों की किस्मत के ऊपर लगा 25 नवंबर को ताला अब सिर्फ 2 घंटे में खुलने वाला है और इस 2 घंटे के बाद में ये तकदीर जो है सामने आ जाएगी खुल के कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। 3,92,00,000 मतदाताओं ने जो राजस्थान में अपने मताधिकार का उपयोग किया है ईवीएम से और करीब 4,66,000 बैलेट पेपरों को करीब करीब देखिए 4,000 राउंड में गिना जाएगा। 2500 टेबल होंगी, 36 केंद्र होंगे, 2 केंद्र मेरे पीछे जयपुर में। ये देखिए सुरक्षा की जो व्यवस्था है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, एजेंट्स आने लग गए हैं, ट्रैफिक को लेकर के बाकायदा पूरी तैयारी की गई है। 199 सीटों पर हमारी पूरी टीम रहेगी, सारे लोग रहेंगे बाकायदा एक एक सीट पर, हर एक सेकंड पर, हर एक राउंड की पूरी जानकारी की शुरुआत होगी। ये बड़े खबर, आज 1862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला सामने आ जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद, बस चंद मिनट बाद, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे यानी तकरीबन आधे घंटे बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अरबाज अहमद हमारे संवाददाता इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अरबाज, तो 8 बजे का वक्त जब बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और रुझान भी बहुत जल्द आ जाएंगे। देखिए मैं सीधा काउंटिंग सेंटर से आपके साथ जुड़ रहा हूं और फिलहाल मैं दिखा दूं आपको यहां मीडिया सेंटर में न्यूज 18 राजस्थान को देखने के लिए जो रुझान है, लोग बाग मीडिया सेंटर में बैठे हुए हैं और सीधे अगले 3 मिनट के अंदर जो स्ट्रांग रूम है वो खुलने वाला है और ईवीएम से लेकर के बैलेट पेपर सभी बाहर आने वाले हैं और जो उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा कैद हुआ हुआ है वो अब खुल करके सीधा जो है काउंटिंग टेबल पे आएगा। आप अंदर देख सकते हैं कि काउंटिंग की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहां पर जिस हिसाब से सभी लोग मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है, बैलेट की पहले गिनती की जाएगी और गिनती के साथ में शुरू हो जाएगा जो उम्मीदवारों का फैसला है, नतीजा है वो सामने आना। तो आप देख रहे हैं कि सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे किस तरह से हम तक आप तक पहुंचाएंगे, ये पूरी टीम जो है मीडिया प्रकोष्ठ की रहेगी। अंदर जो है करीब 9 विधानसभाओं की काउंटिंग चल रही है और ये अगले 1 मिनट में शुरू हो जाएगी। राजस्थान का जो फैसला है, मतदाता का जो एक तरह से मैंडेट है वो सामने आने वाला है और अब तक के जितने भी एग्जिट पोल हैं, कयास हैं, वादे हैं, दावे हैं, तमाम चीजों का जो सच है वो खुल करके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये गलियारा सत्ता का रास्ता दिखाएगा विधायकों को और ये गलियारा बाहर का रास्ता भी दिखाएगा। अंदर आप देख रहे हैं कि मतगणना स्टोर है और ये पूरा जो काउंटिंग सेंटर का नजारा है जिसमें सीधे लाइव हम आपको एक एक पल पल की खबरें और पल पल के अपडेट देंगे, एक एक जो वोट काउंट है वो आपको दिखाएंगे। अभी आप देखिए कि काउंटिंग शुरू होने वाली है और काउंटिंग शुरू होने के साथ ही यहाँ पर जो एक एक गिनती हम आपको बताएंगे। पहला रुझान जो है बैलेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब 8:30 पे आ जाएगा और उसके बाद में अगर देखा जाए तो ईवीएम से फिर 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जयपुर में 19 विधानसभा क्षेत्रों की जो काउंटिंग है वो बाकायदा की जा रही है और ये काउंटिंग जो है लगातार एक एक वोट हम आपको बताते रहेंगे किस हिसाब से कितना कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है और जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। सभी को इंतजार है और सभी लगातार टकटकी अपनी लगाए बैठे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास स्पेशल रेड टीम के लिए की, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है, शुरू से ही जनता का विश्वास रहा है। एक एक सीट पर ना कोई जल्दबाजी, ना कोई गफलत, ना कोई झूठ, सीधा सच, सीधे सेंटर से एक एक वोट की सीधी सटीक गिनती और ये बताना कि किस तरह से क्या हाल है राजस्थान में विधानसभा चुनावों के नतीजों का, तो बने रहने की जरूरत है हमारे साथ में। और आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, पूरे राजस्थान के जो लोग हैं वो न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, पूरे देश के जो दिग्गज लोग हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और सबको इंतजार है नतीजों का, जो कि अब काउंटिंग का जो वक्त है शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस हिसाब से तैयारी की गई थी और 8 बजने का लिए कुछ सेकंड के बाद, बिल्कुल जैसा आपने कहा, यहाँ पर काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है, उस काउंटडाउन की जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार और बस अब 50 सेकंड के बाद शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। सबसे पहले बैलेट पेपर्स की गिनती होगी और फिर उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम का पिटारा खुलेगा। न्यूज 18 राजस्थान पर आप लगातार आज हाईटेक तरीके से सबसे तेज, सबसे सटीक अंदाज में ये कवरेज देखेंगे, विश्लेषण देखेंगे एक्सपर्ट के साथ और नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपको दिखाएंगे और उसके बाद नतीजों के बाद क्या माहौल बनता है या बिगड़ता है वो तस्वीर और खबरें भी आप तक पहुंचेंगे।
बिल्कुल, और तकरीबन 19 सेकंड धीरे धीरे ये सेकंड कम हो रहे हैं और रुझान आने के करीब पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी, सिर्फ 11 सेकंड, 10 सेकंड अब रह गए। प्रदेश में बंपर मतदान और एग्जिट पोल के रुझान के बाद वोट किस करवट बैठेगा, ये तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। सिर्फ 3 सेकंड और ये देखिए समय पूरा, रिजल्ट समय पूरा। राजस्थान में वोटों की गिनती शुरू हो गई है, विधानसभा चुनाव लगभग 75% वोट पड़े हैं, यानी कहा जा रहा है जनता ने क्लियर कट सरकार चुनी। अब से थोड़ी देर बाद पहला रुझान सामने आएगा और हाईटेक तरीके से ये महा कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं, और जैसे ही रुझान सामने आएगा सबसे पहले न्यूज 18 की स्क्रीन पर आपको मिलेगा। 199 सीटों पर मतगणना का फैसला शुरू हो चुका है, राजस्थान में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट काउंट किया जाएगा और 8:30 बजे से शुरू होगी ईवीएम की गिनती। 199 सीटों पर मतगणना राजस्थान के अंदर शुरू हो गई। और इस बीच बड़ी खबर, पहला रुझान सामने आ गया है, बीजेपी की दिया कुमारी लीड कर रही है। पोस्टल बैलेट से शुरुआत हुई है और देखिए पहला रुझान भी सामने आ गया है, दिया कुमारी आगे चल रही है राजस्थान विद्याधर नगर सीट से। जी हाँ, दिया कुमारी आगे चल रही है, बीजेपी उम्मीदवार मैदान में विद्याधर नगर, उनको टक्कर सीताराम अग्रवाल दे रहे हैं कांग्रेस के जो कि फिलहाल पीछे हैं। पोस्टल बैलेट का पहला रुझान विद्याधर सीट और दिया कुमारी उससे आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, हर ब्रेकिंग और हर बड़ी खबर के लिए आज दिन भर आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ, क्योंकि सबसे पहले हम आपको रुझान बताएंगे, नतीजों की तस्वीर सबसे पहले यही साफ होगी। और सबसे पहले जिस तरीके से बताया और बिल्कुल काउंटिंग शुरू होने के कुछ ही पलों बाद आपको बता दिया न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से कि दिया कुमारी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। मैं अलका गुर्जर जी से पहला रिएक्शन लेना चाहूंगा, बोनी अच्छी हुई है, शगुन अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है बीजेपी के लिए, राजस्थान के लिए, और शुभकामनाएं है दिया कुमारी जी को ये रिकॉर्ड वोटों से विद्याधर नगर से जीतने। चलिए बिल्कुल उत्साहित करने वाली बात, जाहिर सी बात बीजेपी के लिए, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलेगा, ये रुझान भर है अभी, नतीजा नहीं है, वो भी पोस्टल बैलेट। सीधे जयपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरबाज, जयपुर में काउंटिंग की पूरी तैयारी, आपने उसकी तस्वीर भी हमें दिखाई और पोस्टल बैलेट की देखिए शुरुआत भी हो गई है, जयपुर से क्या खबर सबसे पहले आप देना चाहेंगे? देखिए जयपुर से पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू हो गई है, अगले आधे घंटे सिर्फ पोस्टल बैलेट्स ही गिने जाएंगे। हालांकि शुरुआती रुझानों से जो नेता हैं उनका बीपी अप डाउन हो सकता है, लेकिन पोस्टल बैलेट जो है एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है शुरुआती काउंटिंग के, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन बाद में जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है तब जाकर के स्टेबिलिटी कुछ जो रुझानों में आना शुरू होती है। जयपुर से सबसे पहले हमने आपको बताया कि दिया कुमारी पोस्टल बैलेट के मामले में आगे चल रही है, उसके बाद में दूसरा हम आपको बता दें कि सिविल लाइन सीट से जो प्रताप सिंह खाचरिया वास हैं उनके पोस्टल बैलेट्स की गिनती अभी ज्यादा शुरू हुई है और वो काउंटिंग में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर रफी खान के जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो काउंटिंग में थोड़ा आगे चल रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पर हवा महल सीट के अंदर जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती होना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 199 सीटों पर काउंटिंग की जा रही है, 19 सीटों का जो हाल है वो हम जयपुर के इन दोनों काउंटिंग सेंटर से लगातार आपको देते रहेंगे। अगले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट्स का ओवरऑल निचोड़ निकल करके सामने आ जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में 4,66,000 पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर्स के आए हैं, उसके अलावा जो एसेंशियल वोटर्स हैं और अलग अलग जगह से जो लोग लगातार अपने बैलेट के जरिए भेज रहे थे, खासतौर पर आर्मी पर्सन, ऐसे 30,000 के करीब करीब मत आ चुके थे, तो करीब करीब 5,00,000 करीब करीब आप मान करके चलिए कि ये जो वोटों की काउंटिंग होगी ये पोस्टल बैलेट काफी मायने रखेंगे, क्योंकि इस बार होम वोटिंग भी हुई है और पिछले कुछ चुनावों के मुकाबले में पोस्टल बैलेट की तादाद इस बार काफी बड़ी है। लेकिन 3,92,00,000 मतदाता ने अपना जो मैंडेट है, अपना जो पक्ष है, अपना जो मत है वो ईवीएम के अंदर कैद किया हुआ, और ईवीएम से बड़ी एक तरह से जो राजस्थान के अंदर तस्वीर है वो निकल करके सामने आएगी, पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जयपुर की 3 सीटों का हाल मैंने आपको बताया, हमारे लगातार साथी जो हैं वो अलग अलग सीट पर बने हुए हैं, कुछ जो हैं अलग अलग सीट पर वहां पर अपडेट ले रहे हैं। यहां पर राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, यहाँ पे जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर की सीटों का लगातार ताजा अपडेट आपको माना जाए कि आधे घंटे के अंदर जितने भी बैलेट के अंदर पहले रुझान वोट्स हैं उनके नतीजे आ जाएंगे। देखिए बैलेट्स की काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन 8 बजे तक जो बैलेट्स यहां पर आने की अनुमति जो है निर्वाचन अधिकारी ने दी थी कि भाई अगर 8 बजे तक काउंटिंग से जस्ट पहले तक जो बैलेट आ गया उसे भी गिना जाएगा, तो वो साथ साथ में बाद में भी टैली अपडेट हो रही है। टैली बिल्कुल, टैली आपकी स्क्रीन के नीचे आप देखिए, शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे है,
और ये लगातार आपकी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा है। चार सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, एक सीट पर कांग्रेस और अभी अन्य यानी जो अदर्स हैं उनका उनके पक्ष में अभी तक कोई रुझान सामने नहीं आया है। तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, चार सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है, शुरुआती रुझान में फिलहाल बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस एक सीट पर आगे और अभी निर्दलियों का खाता रुझान में नहीं खुला है। और यही बताना जरूरी है कि पोस्टल बैलेट्स की अभी यहां पर शुरुआत हुई है काउंटिंग की। रोशन का इस जल्दी से रुख करते हैं। रोशन, 4-1 से पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी बढ़त बना चुकी है। देखिए रविंद्र, करीब 5 मिनट का वक्त हो चुका है राजस्थान कॉलेज के अंदर जो तमाम विधानसभा हैं, चाहे मालवीय नगर विधानसभा हो, आदर्श नगर हो, सांगानेर हो, इनके अंदर जो पोस्टल बैलेट है उनकी जो गिनती है वो शुरू हो गई है। करीब 8:25 तक जो बैलेट पेपर, जो पोस्टल पेपर हैं, उनकी काउंटिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके अलावा जो स्ट्रांग रूम है वहां से तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई है। यहां पर जो काउंटिंग सेंटर है यहां पर ईवीएम मशीन लाई जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि ठीक 8:30 जो ईवीएम मशीन के अंदर जो मत जो कैद है उनकी काउंटिंग शुरू हो जाए। यहां पर आप देख सकते हो कि इस वक्त जो राजस्थान कॉलेज है इसके अंदर जो हलचले हैं वो काफी बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो तमाम जो कार्मिक है यहां पर अलर्ट मोड के अंदर यहां पर मौजूद है। जो कार्मिकों का जो पहला जो दल है वो अंदर की ओर है, कुछ जो कार्मिक है वो रिजर्व में यहां पर रखे गए हैं। पुलिस की यहां पर चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। रविंद्र, बिल्कुल, यहां स्टूडियो में चयनिका जी भी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता। चयनिका जी, आगाज बीजेपी के पक्ष में 5 और ये देखिए बदल गया है 3 कांग्रेस का। अभी तो ये बहुत बदलेगा, आप देखते जाइए, और सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। और मैं ये कह दूं कि ये जो जीत होगी ना वो कांग्रेस पार्टी के जन कल्याणकारी कामों की जीत होगी, ये आम जनता की भावना की जीत होगी। और आप ये देखिएगा कि कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो राजस्थान में रिवाज बदलते हुए एक इतिहास बनाएगी। चलिए तो फिलहाल टैली पर नजर डालें तो बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 3 सीटों पर बढ़त है। और फिलहाल रुक कर लेते हैं रट का, जो कि हमारी स्पेशल टीम है, एक एक पोलिंग बूथ से सीधे खबर निकालकर आपके लिए लेकर आती है। सीधा रुक करेंगे और जानेंगे, हमारी सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है जो पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, सारा डेटा सबसे पहले पोलिंग बूथ से उनके पास पहुंच रहा है। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल आस्था, आपको बता दें कि देखिए सबसे पहले दिया कुमारी आगे चल रही थी जो कि सांसद है और विद्याधर नगर से इस बार उनको उतारा गया है। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं रेड की जो अपडेटेड जो पोस्टल काउंट है। अंकुर, अभी क्या है? अभी 10 जगह से जो है पोस्टल काउंट चल रहा है, जिसमें बीजेपी का 6 जगह से है और कांग्रेस का 4 जगह से खुला हुआ है। हाँ। टोटल जो है वो 10 जगह से पोस्टल काउंट जो है चल रहा है अभी। और अभी लीडिंग करते हुए विद्याधर नगर से दिया कुमारी ही आ रही है। जी जी बिल्कुल, अभी दिया कुमारी जो है वो विद्यानगर से लीडिंग कर रही है, लीड कर रही है। तो ये अभी अपडेटेड आया है क्योंकि अभी 6 टोटल 10 सीट्स पे काउंट है, 199 विधानसभा सीटों से, यानी कि 10 सीट पर अभी पोस्टल बैलेट काउंट चल रहा है, जिसमें अभी 6 पर बीजेपी और कांग्रेस की 4 दिखाई दे रही है। और वहीं अदर्स की बात करें तो अभी 0, अभी खाता नहीं खुला है अदर्स का। लेकिन अभी जैसे जैसे आगे, क्योंकि 8:30 से ही आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट के बाद से ईवीएम का पिटारा खुलेगा और उसके बाद से ही क्लियर हो पाएगा। अब 15 से अभी आपको बता दें ये बीजेपी का 10 है और जो कांग्रेस का है वो 5 पे, मतलब पिटारा खुल गया है। हाँ। जी, और 15 टोटल डिक्लेयर्ड सीट्स अभी 15 बताई जा। और डूंगरपुर के सांगवाड़ा से हैं शंकर लाल डेचा, वो भी वहां से लीड कर रहे हैं बीजेपी से अभी, मतलब। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि डूंगरपुर से इस समय शंकर लाल डेचा भी बीजेपी से जो कि प्रत्याशी है वो भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको बता दें कि राजकुमार रोत भी जो कि डूंगरपुर से है वो भी बीजेपी से लीड करते हुए, और बीजेपी क्योंकि बीटीपी से अलग होकर बीजेपी इस बार प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा था और इस बार बीजेपी से लीड करते हुए डूंगरपुर से एक बार, आपको डूंगरपुर से एक बार स्क्रीन अगर दिखाएंगे तो आपको 3 अभी लीड करते हुए, 2 बीजेपी से जहां पर डूंगरपुर में शंकर लाल ढेचा नजर आ रहे हैं, वहीं पर जयपुर में दिया कुमारी बीजेपी से लीड करती हुई नजर आ रही है। डूंगरपुर की बात करें तो बीजेपी से बड़ी बात है ये राजकुमार रोड नजर आ रहे हैं। हम अन्य की बात कर रहे थे और लीडिंग अभी सीट्स अगर अंकुर बात करें तो कितनी हो रही है? टोटल सीट 20 हो गई है अभी, जिसमें बीजेपी की जो है वो 15 है और कांग्रेस की 9 है, 25 सीट हो गई है टोटल। अभी का अपडेट है ताजा, उसमें 25 सीटें हो गई हैं। इसका मतलब धीरे धीरे जैसे दिन चल रहा है, जैसे जैसे टाइम की काउंटिंग बीत रही है, जैसे जैसे सुई की घड़ी बीतती जा रही है, वैसे वैसे काउंटिंग जो पोस्टल बैलेट्स के काउंटिंग की सीट्स है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लीडिंग पे अभी हम आपको बता रहे हैं कि 2 बीजेपी और 1 बीजेपी से लीड करता हुआ नजर आ रहा है, ये राजस्थान के रुझान है। ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अभी हो रही है, 8:30 ईवीएम का पुटारा खुलेगा तब
पता चलेगा कि कौन किससे आगे है, क्योंकि इस बार तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी तो बढ़त करती हुई दिखाई, लेकिन कांग्रेस पीछे है। लेकिन तमाम ऐसे एग्जिट पोल ऐसे भी थे जहां पर यह बताया गया कि कांग्रेस लीड कर रही है लेकिन बीजेपी पीछे, यानी दोनों में नेक टू नेक फाइट है। लेकिन किंग मेकर के रूप में क्या अदर्स भी इसमें क्या रोल निभाएंगे, जिसमें बीजेपी एक बड़ा रोल करती हुई दिखाई है। एक बार फिर से हम बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास, रिजल्ट आपका रुख हम लगातार करते रहेंगे क्योंकि यहीं से बड़ी खबरें निकल रही है। फिलहाल 25 सीटों के रुझान, 15 पर बीजेपी आगे, 9 पर कांग्रेस आगे और 1 पर अदर्स यानी एक उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से जयपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अरबाज वहां से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। अरबाज बताइएगा, फिलहाल 25 सीटों के रुझान में 15 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, लेकिन ये अभी पोस्टल बैलेट है, 8:30 बजे से ईवीएम काउंटिंग शुरू होगी। देखिए ईवीएम काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जो अलग अलग सीटों का हम आपको लगातार रुझान दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर जो पोस्टल बैलेट्स हैं ईवीएम है बाकायदा उनकी काउंटिंग का बाहर निकालने की तैयारी होकर यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और एक कार्मिक को उसकी जिम्मेदारी सीट की दी हुई है। पोस्टल बैलेट की जिस हिसाब से काउंटिंग की गई है उस हिसाब से अलग अलग जगह अगले आधे घंटे का काउंटिंग की तैयारी यही रहेगी। और आप देखिए कि झोटवाड़ा विधानसभा जो सीट है उसकी काउंटिंग चल रही थी, ये अंदर आदर्श नगर विधानसभा सीट की काउंटिंग चल रही है और यहाँ पर बाकायदा पोस्टल बैलेट जो हैं वो गिने जा रहे हैं। और राजवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि झोटवाड़ा से भाजपा के महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं। सर किस तरह के रुझान हैं बैलेट्स के, पहले शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए? हम एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें जितना जो अभी तक जो एग्जिट पोल्स में आया है उससे कहीं ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। बिल्कुल आश्वस्त हैं सीटों को लेकर के, काफी कॉन्फिडेंस है, कांग्रेस भी उसी तरह से दावे कर रही है, अभी पोस्टल बैलेट का है फिर बाद में ईवीएम खुलना शुरू होंगे। जी 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 जी, अब कुछ घंटे उनको और खुश रहने दीजिए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। महेश हमारे साथ ही अपडेट लेकर के आए हैं, 2 सीटों का पोस्टल बैलेट की क्या स्थिति? पोस्टल बैलेट खुल चुके हैं और उसमें भी अब कुछ देर में हम आपको रुझान देने की उसमें रहेंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय में काउंटिंग जो है, मतगणना जो है, वो सबसे पहले डाक मतपत्रों की जा रही है। अलग अलग जगहों पर जो है स्क्रूटनी सबसे पहले उनकी की जा रही है, स्क्रूटनी के साथ में फिर उनकी काउंटिंग की जाएगी, उनके बंडल बनेंगे और उन्हें एक साथ गिना जाएगा, उसके बाद में एग्जैक्टली जो रुझान है वो सामने आना शुरू हो जाएगा डाक मतपत्रों का, लेकिन करीब 1 घंटे बाद में, ये कहा जा सकता है कि 9 बजे के आसपास में जो रुझान देने की जो जो प्लानिंग है वो हमारी हो सकेगी। लेकिन इससे पहले जो ईवीएम है वो सारी स्ट्रांग रूम से खोल दी गई है और अब मतगणना जो कक्ष है उसमें लाई जा रही है, जो प्रत्याशियों के एजेंट हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके सामने उनको दिखा करके स्ट्रांग रूम जो है वो खोला गया और अब वो ईवीएम से जो काउंटिंग है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आदर्श नगर में आप तस्वीरें देख सकते हैं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि ईवीएम अंदर पहुंचना शुरू हो गई है, आप देखेंगे कि लाइव नजारा है बिल्कुल अंदर का काउंटिंग सेंटर का टेबल का, ये एक्सक्लूसिव नजारा है जो केवल रेड टीमें आपको दिखा सकती है। और जिस हिसाब से जो हालात है राजस्थान में, हम आपको ग्राउंड जीरो से अंदर के हालात दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक एक टीम को बाकायदा उनके बैलेट और टेबल नंबर के हिसाब से मार्किंग की हुई है और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनके साथी हैं सभी लोगों को बहुत बारीकी से वेरीफाई करके अंदर भेजा गया है। क्या रुझान का ट्रेंड रहेगा अगर देखा जाए, जो ईवीएम से ट्रेंड आना है वो करीब करीब 9:15 बजे तक शुरू हो जाएगा? देखिए थोड़ी देर पहले जिस तरह से न्यूज 18 की बातचीत हो रही थी जिला कलेक्टर तो उन्होंने ये भी कहा है कि 9 बजे के आसपास में जो है सबसे पहला रुझान आप मान सकते हैं कि पहला रुझान क्या होगा, लेकिन पहले जो डाक मतपत्रों की गणना है उसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है, वो चल रहा है और थोड़ी देर में जो ईवीएम है वो उसको खोला जाएगा और ईवीएम के साथ में जो वीवीपैट है वो भी यहाँ पर जो है उसको भी परखा जाएगा। सबसे पहले उसकी सुरक्षा की जो है उस दृष्टि से ये देखा जा रहा है कि किसी तरह से कोई लीकेज नहीं है, कोई सील ब्रेक तो नहीं है, तो ऐसे में जो एजेंट्स हैं, प्रत्याशियों के एजेंट्स हैं, उनको एश्योर किया गया है। स्ट्रांग रूम से जब ईवीएम लाई जा रही है तो उनकी निगरानी में लाई जा रही है, जो पूरी पारदर्शिता है वो इस समय में यहां पर देखने को मिल रही है, सुरक्षा के जो कड़े बंदोबस्त है वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये राजस्थान कॉलेज है और इसी तरह से कमोबेश कॉमर्स कॉलेज में यहां पर 9 विधानसभाओं की जो गणना है वो यहां पर चल रही है, प्रत्याशियों के आने का सिलसिला जो है वो यहां पर शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले हम रवि नैयर से बात कर रहे थे, जो भी अपनी जीत के जो दावे हैं वो यहां पर कर रहे थे, राजवर्धन राठौड़ से आपकी बात यहां पर हो रही थी, वे भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, जीत के दावे हैं। एग्जिट पोल ने जिस तरह से पशुपेश कर दिया हर बात, तो देखिए आप दोनों ही जो पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई देख रहा हूं मैं दोनों का। बिल्कुल, उनके मन में कहीं ना कहीं चिंता और उत्सुकता इतनी हो गई है कि अब वे खुद इस ये बिल्कुल देखिए झोटवाड़ा का सीन मैं आपको दिखा दूं, यहां से अंदर आप स्ट्रांग रूम का देखिएगा कि ये पूरी टीम है बिल्कुल चील की नजर, बारीक एक तरह से पहनी, एक एक चीज के ऊपर, चाहे वो ईवीएम मशीन हो, चाहे वीवीपैट हो, चाहे उसका पूरा किट पूरी तरह से पैक किया हुआ है, सील्ड है
और इसके अंदर जो प्योर फ्यूचर है। अच्छा ये देखिए 40 सीटों का भी रुझान मिले हैं, उसके में मुताबिक बीजेपी 23 पर आगे, 16 पर कांग्रेस आगे चल रही है रुझानों में और एक पर अन्य। रोशन शर्मा भाई सहयोगी जुड़े हैं, सीधा वही रुक करते हैं एक बार फिर जयपुर से। जी देखिए बिल्कुल अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर विधानसभा जो जो सीट है उसके जो काउंटिंग स्थल है। यहाँ के आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर यहाँ पर जो बैलेट पेपर है उसकी काउंटिंग शुरू हो गई है। हमारे साथ जो कालीचरण सराफ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है। कालीचरण सराफ से हम सीधा बिल्कुल 135 को क्रॉस करेंगे और कांग्रेस की कालीचरण सराफ जी क्या कुछ कहेंगे। आप मालवीय नगर सीट से आप प्रत्याशी हैं, कितनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त? मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से उन्होंने भावी जन समर्थन दिया है, निश्चित रूप से मैं जीतूंगा और भावी बहुमत से जीतूंगा। क्या कुछ कहेंगे अभी तक जो बैलेट पेपर है उसके जो रुझान है वो आना शुरू हो गए? अभी शुरू नहीं हुआ, यहाँ चालू होगा। वोटिंग को लेकर क्या कुछ बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कांग्रेस के खेमे से कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर बीजेपी के उनसे पिछड़ रहे हैं, तो ये एक तरह से कहें कि भले ही रुझानों में बीजेपी 42 सीटों पर 23 सीटों के साथ आगे बढ़त बनाए हुए है लेकिन 18 पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं एक पर अन्य खाता खोलते हुए रुझानों में दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात कांग्रेस के लिहाज से ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से रुझानों में आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और इस बीच बड़ी खबर ये है कि आप देखिए ना सिर्फ ब्रॉडकास्ट बल्कि डिजिटल मीडिया पर भी न्यूज 18 को इस वक्त सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। सबसे ज्यादा दर्शक इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर जुड़े हुए हैं। रिजल्ट नतीजों की एक एक खबर के लिए डिजिटली आप देखिए दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर विश्वास प्राप्त हो रहा है। 3 लाख लोग इस वक्त जनता का अटूट विश्वास दिख रहा है। शुरुआती रुझान में भाजपा आगे है और आगे भी भाजपा आगे रहेगी और स्पष्ट बहुमत की, प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार राजस्थान की जनता के श्रेय समर्थन और आशीर्वाद से बन रही। तमाम प्रत्याशी जो है वो पूजा अर्चना करके मतदान स्थलों पर पहुंचे, मतगणना स्थलों पर पहुंचे। आपने भी पूजा की है, क्या मांगा है भगवान से आज, किस प्रकार की उम्मीद पूरी होनी चाहिए? कुशासन का अंत हो, सुशासन की शुरुआत हो, असत्य पराजय हो, सत्य की जीत हो, अन्याय पराजय हो, न्याय आए, यही प्रभु से कामना की। और मैं सुबह 5 बजे से मेरी मॉनिटरिंग टीम और लीगल सेल और बाकी लोग जो काम देख रहे हैं उन सब से। और अब सीधा श्रुति के पास आपको लिए चलते हैं, रिजल्ट अब से हमारे साथ है, बड़ी अपडेट उनके पास है। श्रुति क्या खबर? 55 सीटें आ चुकी हैं पोस्टल बैलेट की, जिसमें कि बीजेपी 30 और कांग्रेस 24 पर आ रही है, अदर्स के खाते में एक जा रही है। वही लीडिंग आपको बता दें सबसे बड़ी खबर की, अशोक गहलोत लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही शंकरलाल डेचा जो कि सांगवाड़ा से डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी के कैंडिडेट है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार रोत जो कि 84 से थे बीजेपी के कैंडिडेट थे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस बीच में। लेकिन इस बीच में किशनपोल से आमीन कागजी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी लीडिंग पोजीशन में है। वहीं जयपुर से 82 सीट से बता दें तो चंद्रमोहन मीणा बीजेपी सीट से, और अंकुर बताएंगे शाहपुरा जयपुर से शाहपुरा क्या पोजीशन है। मनीष यादव जो है अभी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो सूरनगर है जोधपुर का, वहां से देवेंद्र जोशी लीड कर रहे हैं बीजेपी से। इसका मतलब कि अभी अगर आपको बता दें तो 60 सीटों में बीजेपी 4 पे नजर आ रही है और वहीं पर कांग्रेस 3 पर और 1 पर बीजेपी नजर आ रही है। आपके पास चुकी इस वक्त रोशन कुछ बड़ी खबर देने जा रहे हैं। रोशन मतगणना का काम शुरू हो चुका है। जी देखिए मेरे साथ राजेंद्र यादव हैं, वो मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे राजेंद्र जी? मतगणना अभी शुरू हुई है, रुझान अच्छे आने की उम्मीद है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कितनी सीटें सर? 100 से ऊपर सीटें। एग्जिट पोल के सर जो नतीजे हैं? एग्जिट पोल तो आप लोग निकालते हो, कौन सा मतगणना करते हो मुझे तो समझ में नहीं आता। अब जनता क्या कुछ निकाल रही है सर? जनता अशोक गहलोत जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। सर क्या लगता है आपको, आपकी लोकप्रिय योजनाएं जो है वो असर दिखाएगी या फिर सनातन कार्ड? निश्चित तौर पे जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता में असर है और पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी ने चाहे कोरोना काल हो चाहे दूसरे समय में जनता की सेवा की है और जनता इस बात को भूलेगी नहीं, जनता अच्छे रिजल्ट देगी। राजेंद्र जी कोटपूतली में त्रिकोणीय मुकाबला था, आप सोचते हो त्रिकोणीय मुकाबला, कोटपूतली में हम चुनाव जीत रहे सर, काफी संख्या में निर्दलीय जीत के आ रहे हैं इसी बात से। मेरे को नहीं लगता। बिल्कुल, और इस बीच लगातार रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है,
39 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। 30 सीटों पर कांग्रेस आगे है और अदर्स पर भी एक कैंडिडेट फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो लगातार रुझानों की सबसे पहली अपडेट हम दे रहे हैं और सीधा श्रुति का रुख करते हैं। रिजल्ट आपसे हमारे साथ हैं, श्रुति क्या बड़ी खबर आपके पास फिलहाल? जी तो आपको बता दें कि 76 सीटों के अभी तक रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 42 पर लीड करते हुए नजर आ रही है, 42 सीट उसके खाते में गए, वहीं कांग्रेस 33 और अन्य के खाते में अभी एक, क्योंकि बीजेपी से अभी लीड करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी क्योंकि इन सभी में अगर बीजेपी की बात करें, अंकुर कभी बीजेपी का क्या पोजीशन है? अगर बीजेपी की लीडिंग की बात करें तो बीजेपी 5 सीटों पर लीड करती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस जो है वो 3 सीटों पर लीड कर रही है। इसके अलावा अदर में जो बीजेपी आपने कहा था वो 1 सीट पर अभी जो है आगे चल रही है। और लीडिंग लिस्ट में अभी कौन नजर आ रहा है? अनीता बदेल एक नया नाम जुड़ा, जिसमें बीजेपी से अजमेर सीट से, आपको बता दें अजमेर साउथ से यानी कि अजमेर दक्षिण से अनीता बदेल बीजेपी की कैंडिडेट है जो लीड करती नजर आ रही है। वहीं जोधपुर के सूरसागर से देवेंद्र जोशी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है वो भी लीड करते नजर आ रहे हैं। तो रिजल्ट आपसे आपको सबसे पहले अपडेट बता रहे हैं, अभी तक के 76 सीटों की काउंटिंग बैलेट पेपर के जरिए हो गई है। 8:30 बजे के बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा, जिसमें बीजेपी ऑलमोस्ट सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें उदयपुर, अलवर, अजमेर और साथ ही जोधपुर के सूरसागर से, वहां पर बीजेपी नजर आ रही है। अशोक गहलोत जिसमें दो बड़े चेहरे हैं, चाहे दिवा कुमारी हो, विद्याधर नगर से सांसद के रूप में इस बार विधायक की चुनाव लड़ रही है, वो नजर आ रही है। अशोक गहलोत बिग फाइट में है, वो दो बड़े ऐसे चेहरे हैं राजस्थान में जो आगे हैं रुझानों में। जी रविंद्र जी, बिल्कुल 80 सीटों के रुझान सामने निकल कर आए, उसमें 45 पर बीजेपी लीड करती हुई रुझानों में आगे बढ़ रही है और 34 पर कांग्रेस। अन्य के खाते में रुझानों में एक ही सीट आती दिखाई दे रही है। छोटा सा रिएक्शन राकेश गोयल जी, मैं आपसे रुकूंगा। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट, महंत बालकनाथ आगे चल रहे हैं तिजारा। तो तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी महंत बालकनाथ जो कि मौजूदा सांसद भी हैं वो लीड कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर। अनीता भदेल भी लीड कर रही है अपनी सीट से और ये कुल मिलाकर 45 सीटों पर रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 34 पर कांग्रेस। राकेश जी एक जल्दी से कमेंट आपसे चाहूंगा, एक ही सीट पर अन्य दिखाई दे रहे बढ़त बनाते हुए। देखिए रविंद्र जी, पूत के पाव पालने में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये पोस्टल बैलेट है, हमें नहीं भूलना चाहिए राकेश जी, पोस्टल बैलेट है ये। जी पोस्टल बैलेट है तो ये सबसे अच्छी बात है, कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि ईवीएम हैक हो गई या कुछ भी इस तरीके जो हम देखते हैं। छाती पीटने लगता है कि अगर बीजेपी आगे ठीक है लौटेंगे आपके पास श्रुति के, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं उनके पास, फिर कोई बड़ी अपडेट है श्रुति। बाबा बालकनाथ इस बार लीडिंग पोजीशंस में नजर आ रहे हैं। अलवर के तिजारा से इस बार बिग फाइट में बाबा बालकनाथ को उतारा गया जो कि सांसद थे, लेकिन इस बार बीजेपी क्योंकि 7 सांसदों को प्रोजेक्ट किया है विधायकी के लिए। वहीं उदयपुर की बात करें, उदयपुर रूलर यानी कि ग्रामीण सीट से फूल सिंह मीणा जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है वो भी लीडिंग पोजिशन पे। उदयपुर के झारोड से बात करें, बाबूलाल खराड़ी बीजेपी को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अजमेर में किशनगढ़ की बात करें तो विकास चौधरी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है वो लीडिंग पोजिशन में, यानी अभी तक हम बात कर तो आपने बिल्कुल लोकसभा सांसद की बात कर ली बाबा बालकनाथ की, लेकिन सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, कहा यह जा रहा था कि हर सकती है उनकी सीट क्योंकि बीजेपी से ही बगावत करके उनके खिलाफ वहां पर प्रत्याशी खड़ी हुई थी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में जाती हुई इस पोस्टल बैलेट के रुझानों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल किरोड़ी लाल मीणा आगे चल रहे हैं और फिलहाल आपको बता दें सवाई माधोपुर सीट से, इसके अलावा सूरसागर से बीजेपी के देवेंद्र जोशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। सीट वार नाम बता रहे हैं हम आपको, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा आगे चल रहे हैं, 45 सीटों पर बीजेपी बढ़त के साथ फिलहाल पोस्टल बैलेट में है। तिजारा से महंत बालकनाथ आगे चल रहे हैं, सांसद भी हैं। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा आगे, एक बड़ा चेहरा बीजेपी का। 34 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, तो लगभग फिलहाल रुझानों में 10 सीटों के आसपास का फासला बीजेपी कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। अदर्स फिलहाल एक ही सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए केकड़ी सीट वीआईपी सीट है, शत्रुघ्न गौतम बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस के आगे चल रहे हैं, ये भी एक बड़ी अपडेट है आपके सामने। बिल्कुल केकड़ी से रघु शर्मा आगे चल रहे हैं, केकड़ी अलग जिला बना था और कहा यह जा रहा था कि रघु शर्मा को इसका श्रेय दिया जा रहा था, फिलहाल लगातार यहां पर विधायक रहे रघु शर्मा वो आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार तेजी के साथ जो रुझान यहां पर आ रहे हैं वो आपको पहुंचाते हुए, 45 पर बीजेपी, कांग्रेस 36 पर, 2 पर अन्य का खाता एक के साथ बढ़ते हुए। श्रुति एक बार फिर से श्रुति का रुख कर लेते हैं। जी श्रुति क्या बड़ी अपडेट, कौन सी बड़ी अपडेट आपको बता दें? जी आशा जी, क्योंकि 83 सीटों के अभी तक रुझान आ चुके हैं पोस्टल बैलेट के जरिए, जिसमें मुरारी लाल मीणा जो कि कांग्रेस जो कि दौसा से इस बार प्रत्याशी के तौर पर मैदान में, वो भी लीडिंग पोजीशन में है। उसी के साथ ही आपको बता दें कि गजराज खटाना जो कि दौसा के बांदीकुई से है वो कांग्रेस को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं उदयपुर के खेरवा से
नाना लाल आहारी भी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है वो लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं, यानी कि 83 सीटों पर कहीं पर बीजेपी तो कहीं पर यानी कि टोटल 10 सीटें बीजेपी, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाती हुई और अन्य के खाते में 2 सीटें। अभी रुझान जो आ रहे हैं 83 सीटों के उसमें बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाई हुई दिख रही है, जिसमें बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी दो बड़े ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के लीडिंग पोजीशंस में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं जल्दी से अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं अलका जी से जब बात करूंगा, अभी पोस्टल बैलेट के ही ये रुझान आ रहे हैं, बहुत लंबा फासला नहीं है, ये कवर भी हो सकता है। नहीं, लंबा फासला नहीं है, लेकिन जनता की मंशा ये बता रहा है। और आप कह रहे हैं बोनी, जैसा आपने कहा बोनी हमारी अच्छी हो गई है तो आगे हम पूर्ण बहुमत की सरकार की ओर बढ़ रहे हैं, और ये जनता का मूड बता रहा है। ठीक है, चहने का उनियाल जी, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप मौजूदा आंकड़े से, और बीजेपी तो उत्साहित है। नहीं, बीजेपी को भी थोड़ा खुश हो लेने दीजिए, जब ईवीएम खुलेगा और जनता के वोट आएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि जनता जन कल्याण के साथ जाएगी। आप ये देखिए, ईवीएम हैक होने लग गया है। देखिए, अगर ईवीएम की पे अगर जिस दिन चर्चा कराएं तो मैं उस पर भी चर्चा करने को तैयार हूँ, फिलहाल ये इलेक्शन पे चर्चा है। कांग्रेस के अगर सपोज करिए खिलाफ जाते हैं तो ईवीएम पर ठीक है तो नहीं फोड़ेंगे? ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने की बात यहाँ पे हो नहीं सकती ना, यहाँ पे तो हम बात ही नहीं कर रहे। पांच मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब नहीं, मैं जब वो तब करनी चाहिए ना जब ईवीएम पे चर्चा हो रही हो। फिलहाल हम नतीजों पे बात कर रहे हैं और नतीजों की बात मैं जहाँ तक जानती हूँ कि हार नहीं, मेरी एक बात पूरी होने दीजिए। श्रुति हाथ हिला रही है, कोई बड़ी अपडेट उनके पास है? जी श्रुति, जल्दी से। अपडेट ये कि 22 लाख इस बार युवा मतदाता है, यानी कि 50 लाख से ज्यादा नए मतदाता इस बार जुड़े हैं, और बेरोजगारी का आलम बहुत था क्योंकि 19 पेपर लीक की बात कही जा रही थी, और इसीलिए युवाओं को आकर्षित करने के लिए उपेन्द्र यादव को इस देखिए, जो लोग सिर्फ चुनावी हथकंडे अपनाते हैं लोगों को गुमराह करते हैं, राजस्थान की जनता ने देखा है कि ये सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए लोगों को गुमराह करके फिर जनादेश पाकर सत्ता का लाभ पाते हैं, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता को विश्वास है मोदी जी के प्रति, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने जो कहा वो कभी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वादे और नारे दिए, उसी का परिणाम है कि आज पोस्टल बैलेट में भी आगे है और ईवीएम में भी आगे रही। तो क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे चले जब ओपीएस नहीं चला तो राजस्थान की राजनीति में किस प्रकार के मुद्दे चले हैं? देखिए, स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी ने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं किया, झूठ साबित हुए। उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो झूठ साबित हुए। उन्होंने कहा महंगाई को कंट्रोल करेंगे, वो झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा हम सुशासन लेके आएंगे, हम नारी की सुरक्षा करेंगे, वो सशक्तिकरण तो नहीं कर पाए लेकिन नारी की सुरक्षा भी नहीं कर पाए, और उल्टा उनके ऊपर आरोप मरते रहे। ऐसे में और तुष्टिकरण चरम पर फैला दिया तो जनता ने उनको सबक सिखाना शुरू कर दिया। आखिरी सवाल, ये रुझान जिस तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से जरा श्रुति का रुख करते हैं, कुछ और अपडेट और बड़ी खबर उनके जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। श्रुति, आपको बता दें, देखिए नीम का थाना से रविंद्र जी, वो सीकर से सुरेश मोदी आईएनसी से जो कि कांग्रेस से है वो लीडिंग पोजीशन में नजर आ रही, यानी कि निर्णायक जो बढ़त है वो फिलहाल बीजेपी की दिखती हुई दिखाई पड़ रही है। 85 सीटों में से 46 बीजेपी के खाते में, 37 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में, लेकिन अभी फिलहाल लीड करते हुए रविंद्र जी ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी अभी आगे ही चल रही है, जिसमें अभी हमने आपको अपडेट बताया कि लीडिंग पोजीशन में। लेकिन एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता रही थी कि उपेंद्र यादव को इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा, लेकिन उनसे आगे विकास यादव चल रहे हैं और फिलहाल जो उपेंद्र यादव है वो पीछे है अभी। बिल्कुल, शाहपुरा सीट से उपेंद्र यादव प्रत्याशी हैं और वो अभी पीछे चल रहे हैं, और उपेंद्र यादव बेरोजगार एकीकृत संघ की तरफ से बेरोजगारों की आवाज को लगातार उठाते थे और बीजेपी ने ऐन वक्त पर उनको प्रत्याशी बनाया था, और फिलहाल वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फैन फॉलोइंग उनकी युवाओं में बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर वोटर में फिलहाल शुरुआती रुझानों में उनकी फैन फॉलोइंग दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। यह बताइए निरंजन जी, अभी रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, 89 में 48 बीजेपी और 39 पर कांग्रेस, मतलब लगभग एग्जिट पोल की तरह है, कोई किसी से भी आगे क्यों ना हो, फासला बस 10 सीटों का। रविंदर जी, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि ये जो आपके पास अभी जो रुझान है ये पोस्टल बैलेट के रुझान है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने ओपीएस का मुद्दा वहां पे डाला था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राजस्थान के कर्मचारी वर्ग हैं इनको ओपीएस नहीं, इनको सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, इनको सेफ्टी चाहिए, इनको राजस्थान का विकास चाहिए। इस चीज से ये चीज साबित होती है, क्योंकि पोस्टल बैलेट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कर्मचारी वर्ग के होते हैं,
जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चुनाव ड्यूटी के ऊपर होते हैं या कहीं बाहर होते हैं। लेकिन वो सरकारी कर्मचारी निरंजन पोद्दार जी, ओपीएस का मुद्दा तो उनको भी प्रभावित करेगा। नहीं, प्रभावित करता हुआ दिख नहीं रहा था जी। देखिए, अगर ओपीएस का मुद्दा प्रभावित करता हुआ दिखता तो यहाँ पे आपको परिणाम बहुत विपरीत मिलते। लेकिन अगर मान लीजिए पोस्टल बैलेट के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई जा रही है रुझानों के अंदर, तो इसका मतलब राजस्थान को समझने के लिए कांग्रेस तथा तमाम ये जो आजकल जो फ्रीबीज की जो राजनीति करने वाले हैं, इनको मेरे हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को राजस्थान सरकार को ओपीएस पसंद नहीं आया, ये परिलक्षित हो रहा है? देखिए, इसमें सिर्फ सरकारी राजस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे ना, इसमें वो भी कर्मचारी होंगे। ओपीएस जो मिला वो राजस्थान के कर्मचारियों को मिला। और रही बात जब फ्रीबीज की जो बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि अमेरिका जैसा पूंजीवादी देश भी जन कल्याण की बात करता है आपके, और हमारा देश जो कि एक विकासशील देश है, विकसित राष्ट्र नहीं है, और सरकारें जो हैं वो कभी भी नफा और नुकसान पे नहीं काम करती हैं, वो कोई पूंजीपति नहीं है, वो जन कल्याण के लिए आई है, लोगों के जन कल्याण के लिए उनको चुना गया है। इस पर एक मिनट में निरंजन जी लौटूंगी, लेकिन एक बार श्रुति का रुख कर लेते हैं, उनके पास कोई अपडेट है, उसके बाद निरंजन जी आपका रिएक्शन। जी, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सांगोद से बीजेपी आगे चल रही है। हीरालाल नागर इस बार प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट उतरे हुए हैं। वहीं भानु प्रताप सिंह जो की कांग्रेस की तरफ से है, ये दोनों ही प्रत्याशियों में सीधा टक्कर था। हार जीत के लिए जातिगत समीकरण यहां पर साबित होंगे डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन इसके साथ ही जयपुर भी आपको बता दें, जयपुर के फुलेरा सीट से विद्याधर सिंह जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अभी तक 93 सीटों के पोस्टल बैलेट के जरिए रुझान आ चुके हैं। 50 बीजेपी के खाते में, 41 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में आगे चल रहे। ठीक है, लौटेंगे श्रुति आपके पास। निरंजन पोद्दार जी, कांग्रेस ये मान रही है कि सरकार तो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम नफा नुकसान या जोड़ घटाव सोचना नहीं है। इसको आप फ्रीबीज कह रहे हैं, लेकिन वो कह रही है तो सोशल वेलफेयर के लिए। आजकल दो चीजें होती है, एक होती है विलासिता की वस्तु, एक होती है आवश्यकता की वस्तु। जिस तरीके से आज सरकार, अगर मान लीजिए कोरोना काल के बाद में लोगों को अनाज दे रही है पेट भरने के लिए, ताकि भूखमरी ना फैले, ताकि लोगों के घर के अंदर कुपोषण ना फैले, वो आप जन कल्याण के लिए कह सकते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल देना, स्कूटर देना, टेलीविजन देना, ये देना, वो देना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर 140 करोड़ लोगों के अंदर से केवल 5 करोड़ लोग जो है वो टैक्स देंगे, यानी कि इनकम टैक्स देंगे, और बाकी के जो 12 बच्चे वाले हैं वो घर बैठ करके आराम से मजे से खाएंगे। इसको जन कल्याण नहीं कहते, इसको हरामखोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए, मैं चाहूंगी शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा संयम रहकर करें आप लोग। अब मैं लौटूंगी अलका जी आपके पास, आपको कुछ ऐड करना चाहती है, लेकिन इससे पहले इस वक्त का करंट टैली बताना जरूरी है। फिर याद दिला दें, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही है। फिलहाल 54 सीटों पर बीजेपी आ गई है, 45 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, और 2 जो निर्दलीय है या 2 अदर्स के खाते में भी बढ़त की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो फासला है वो 9-10 सीटों का है शुरुआती रुझानों में। और एक और अपडेट, चौमू से रामलाल शर्मा बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चौमू से अपडेट सामने आया है, पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग हो रही है उसमें रामलाल शर्मा अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। राजस्थान से बड़ी अपडेट जी अलका जी, अब आप अपनी बात कीजिए। मैं ओपीएस के बारे में जो ये कह रहे थे, ओपीएस में इन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर टाइप फोटो लगाई थी राजकुमारी जी की, उनका खुद का बयान आया था कि मुझे ही इसका फायदा नहीं मिला है। तो सिर्फ घोषणा से नहीं होता, ये घोषणावीर सरकार लास्ट 6 मंथ्स में रही है, बाकी 4.5 साल कुर्सी लड़ते रहे हैं, और उसी का परिणाम अब राजस्थान की जनता इनको बताने वाली है। बिल्कुल, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको दिखाएंगे। दरअसल ये दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा आगे चले, और बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस के बीडी कल्ला, मंत्री भी इस वक्त मौजूदा सरकार में है, वो भी आगे चल रहे हैं। कोलाय से बात करें तो कांग्रेस के भंवर सिंह भाटी आगे चले, यानी ये बीकानेर की अलग अलग सीटों का हमने हाल दिखा रहे हैं। उधर सवाई माधोपुर से जैसा पहले भी बताया था आपको कि किरोड़ी लाल मीणा आगे चलते हुए दिखाई दे, ओसिया से दिव्या मदेरणा आगे चल रही हैं। दिव्या मदेरणा को लेकर कहा जा रहा था कि मुश्किल में उनकी सीट फंस सकती है, लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें दिव्या मदेरणा आगे चल रही हैं। बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो लगातार एक बार देखिए, फिर हम रुक करने की कोशिश करते हैं, हमारे सहयोगी श्रुति मौजूद है। श्रुति बताइए जी, की झालापाटन से वसुंधरा राजे लीड करती हुई नजर आ रही है।
और झालावाड़ से झालापाटन की तरफ से वसुंधरा राजे लीड करती हुई नजर आ रही है। विद्याधर सिंह जो कि आपको पहले बताया कि जयपुर से फुलेरा से लीड करती हुई नजर आ रही है। 109 सीटों के रुझान अभी तक आ चुके हैं। 59 सीटों पर बीजेपी निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है। 59 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। जैसे कि तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त करते हुए दिखाई पड़ा था, वसुंधरा राजे झालापाटन से इस टाइम लीड करी, यानी कि 59 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस 48 और अन्य के खातों में 2 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। रविंद जी बिल्कुल, तो अशोक गहलोत भी जहाँ एक तरफ आगे, वहीं दूसरी ओर वसुंधरा राजे भी आगे दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब चर्चा यहाँ पे अलका गुर्जर से हो रही है, अलका जी ये बताइए कि ओपीएस को लेकर लगातार सवाल बीजेपी से किए गए, आपके चुनाव घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में कुछ नहीं था, और जिस दिन आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का तो खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम इस पर एक कमेटी बनाएंगे, तो उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, कर्मचारी वर्ग को बहुत हद तक बरगलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, और हमने सिर्फ कर्मचारी वर्ग नहीं, हर वर्ग के लिए जन कल्याण की योजनाएं चालू की। और जैसा बहुत अच्छी बात पोद्दार जी ने कही कि जन कल्याण के लिए काम करना और एक लोगों को सामर्थ्यवान बनाने की बजाय उनको डिपेंडिव बनाने की कोशिश ये कांग्रेस हमेशा करती रही है। वोट बैंक की राजनीति हमने नहीं की, हमने जो राजनीति की है वो की है कि किस तरह से समर्थ बनाकर वो अपने पैरों पर खड़ा होकर एक स्वाभिमान का जीवन जी सके। इसलिए हम लोगों ने जो भी स्कीम्स बनाई है वो इसी इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के बनाई है। और जितनी भी हमारी केंद्र की योजनाएं थी, राजस्थान की सरकार ने नाम बदल दिया, आयुष्मान बंद करके इन्होंने अपनी योजना चालू की, अन्नपूर्णा बंद करके इन्होंने इंदिरा गांधी चालू की, लेकिन कोई भी योजनाएं प्रॉपरली रन नहीं कर पाए। ठीक है, और टैली पर नजर डालनी होगी हमको। 62 सीटों पर बीजेपी आगे, 51 सीटों पर कांग्रेस आगे, और 2 अन्य आगे चल रहे हैं अदर्स की अगर हम बात करें तो। कुल मिलाकर निरंजन पोद्दार जी, बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर ही नजर आ रही है। पोस्टल बैलेट के रुझान है, 9 से 10 सीटों का ये फिर है। लेकिन आप ओपीएस पर हम चर्चा कर रहे हैं तो आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में इसका जिक्र हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार बन गई, यहाँ राजस्थान में उसको इंप्लीमेंट किया गया, उससे कांग्रेस उत्साहित है, आशान्वित है। लेकिन मुद्दा पोखरण से आगे चल रहे हैं और बहुत जबरदस्त यहाँ पर वोटिंग हुई थी, 85% प्लस यहाँ पर मतदान हुआ था। शाले मोहम्मद आगे चल रहे हैं महेंद्र प्रतापपुरी के खिलाफ, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और शाले मोहम्मद चुनाव में आगे चल रहे हैं। और श्रुति भी कोई अपडेट देना चाहती है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। जी श्रुति जी, आशा जी, क्योंकि शाले मोहम्मद का आपने बता दिया कि पोखरण सीट से वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 और बड़े नाम आपको बता दे, देवी जी पटेल भी जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है झालोर के सांचौर से, वो भी लीडिंग पोजीशन में है। झालावाड़ की बात करें, झालापाटन से वसुंधरा राजे, मैंने आपको बताया नरेंद्र कुमार जो कि झुंझुनू के मंडावा सीट से है, वो भी बीजेपी की लीडिंग पोजीशन में है। और झालापाटन से वसुंधरा राजे, कर्नल सोनाराम चौधरी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है बारमेर से, वो भी लीड करते हुए नजर आए। और बड़ी खबर बरन से, किशनगंज से ललित मीणा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, वो आपको लीडिंग पोजीशन में नजर आए, यानी कि 115 सीटों में नजर डाले जाए बीजेपी लीडिंग। शुरुआत में जब रुझान सामने आए थे तो जहां पर एक लाइन से बीजेपी नजर आ रहा था, उसके बीच में कांग्रेस भी लगभग उसी तादाद से नजर आने लगा है। निरंजन जी, चर्चा हम कर रहे थे, ओपीएस की बात हुई लेकिन जिक्र सनातन का भी हुआ, हिंदुत्व का भी हुआ, कन्हैया का भी हुआ, तो अब आप बताइए, एक तरफ प्रदेश सरकार की योजनाएं, उसको घेरने के लिए इन सब चीजों का जिक्र किया गया, पोलराइजेशन दोनों ने अपनी अपनी तरीके से किया। आस्था जी, सबसे पहली चीज होती है वो होता है आदमी के ऊपर भरोसा, और जिस तरीके से कांग्रेस ने शासन किया है, मैं बात कर रहा हूं पिछले 5 वर्षों की, आपने देखा होगा 3.5-4 वर्ष जो है केवल आप ये मान के चलिए होटलों से, रिजोर्ट से सरकार चलती रही, गिराना बचाना इसी खेल के अंदर लगी रही। जनता के अंदर ये जो आपके रुझान इस चीज को प्रमाणित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेशक फ्री बीज के मामले में उन्होंने कंपटीशन में आकर के कुछ ना कुछ उनको बोलना उनकी मजबूरी रही होगी, उनकी नियति रही होगी, फिर भी जनता का भरोसा जो है वो बीजेपी के साथ है, जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि ये चुनाव जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान ने लड़ा था और नरेंद्र, तो चूंकि 8:39 का वक्त है तो अब यह कहा जाए कि जो डाक मतपत्र हैं उनके साथ साथ ईवीएम के भी अब रुझान एक तरह से आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, प्रसादी लाल मीणा आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के मौजूदा सरकार में मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा, लालसोट से लगातार जीतते हैं। बड़ी खबर एक और इस वक्त शायद श्रुति के पास है, श्रुति बताइए। गजेंद्र सिंह
सिंह शेखावत ब्लीडिंग करते हुए नजर आ रहे उदयपुर के बल्लभ नगर से, इस बार प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं, उसके साथ ही शिवचरण सिंह कुशवाहा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है धौलपुर से, वो भी लीडिंग पोजीशन में है। गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी के है जो कि धौलपुर के बारी सीट से इस बार प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत को आजमा रहे थे, वो भी लीडिंग पोजिशन। यानी कि टोटल अभी तक 119 सीटें 199 का रुझान आपको पोस्टल बैलेट के जरिए बता रहे हैं, जिसमें 63 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिख रही है, 54 पर कांग्रेस, वहीं दो अन्य के खातों में जाती हुई दिखाई पड़ी है, जिसमें तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो कि बीजेपी के हैं वो आगे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात आपने कही, गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं, प्रीति, गजेंद्र सिंह शेखावत वो आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है और जो रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल इस वक्त बना हुआ है राजस्थान विधानसभा के बाहर? प्रियंका, ओवर टू यू, बताइए क्या कुछ रिएक्शन आप लेंगी पहले इन रुझानों के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, रिएक्शंस भी आपको सुनाएंगे क्योंकि खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधानसभा के ठीक बाहर से, लगातार मेगा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मोहन डागर जी कांग्रेस से प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माना राम जी हमारे साथ मौजूद है प्रवक्ता आरएलपी के। शुरुआत आपसे करते हुए शैलेंद्र जी, बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, मिठाइयां बननी शुरू हो गई है क्या? नहीं देखिए अभी प्रियंका जी, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी प्रारंभिक रुझान है और आपको मालूम है अभी जो मैनुअल काउंटिंग हो रही है वो बैलेट पेपर्स की काउंटिंग हो रही है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कर्मचारी अधिकारियों को के दम पर सरकार बनाने की बात करती थी, तो शायद उन्हीं के ये बैलेट पेपर्स हैं। कर्मचारी है जो बाहर राजस्थान के बाहर जो अधिकारी नियुक्ति पर है या जो सैनिक है जो हमारे। चलिए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, विधायकों की बाड़े बंदी की तैयारी, ये बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। और जो शुरुआती रुझान है आप देखिए कितना करीब है, 67 बीजेपी और 54 कांग्रेस और 2 पर अदर्स आगे। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है, बाड़े बंदी शुरू की गई है और ये प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। निरंजन पोदार जी, कहा जाता रहा है कि चुनाव कोई भी हो विधायकों का छुपना, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, उसकी शुरुआत पहले से ही हो गई। आप देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े जैसे ही सामने आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करना, अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबको बुला लेना, सबको इकट्ठा करना, मीटिंग्स, ये एक्सरसाइजेस चल रही हैं। और अब देखिए ग्राउंड तक बात पहुंच गई, हेलीकॉप्टर, बाड़े बंदी, ये सब शुरू हो चुका है। और सूत्रों के हवाले से खबर है बहरहाल, आस्था जी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि एक तरफ हम बात करते हैं लोकतंत्र की, एक तरफ हम बात करते हैं लोकशाही की, और दूसरी तरफ एक क्षेत्र के प्रतिनिधि को, चुने हुए प्रतिनिधि को अगर हम हाईजैक करके उसको बाड़ेबंदी करके या उसको जिस तरीके से, तो सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके आपके विधायक खरीदे जा सकते हैं, आपके विधायक पलटी मार सकते हैं, तो आप स्क्रीनिंग सिस्टम ऐसा बनाइए, आप अपने साथ कार्यकर्ता ऐसे जोड़िए, टिकट ऐसे लोगों को दीजिए कि आपको ये सब चीजें ना करनी पड़े। दोनों ही खेमों में हर पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह से दिखता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब अगर आंकड़े ऐसे आसपास आए तो एक स्थिर सरकार राज्य को कैसे मिले। सीधा रुख श्रुति का करते हैं, उनके पास अपडेट है। जी श्रुति, पुनिया भी लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं जो कि अमेर सिंह जयपुर की तरफ से उतारे गए थे, वहीं वीरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है अजमेर के मसौदा से, वो इस बार लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। वहीं हवा महल की बात कर ले, आरआर तिवारी भी लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है अजमेर के। किशनगढ़ की बात कर ले तो भागीरथ चौधरी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है वो लीडिंग पोजीशन में, देवी सिंह शेखावत, अशोक गहलोत लीडिंग पोजीशन में, सरदारपुरा सीट से, शाहपुरा की बात करें तो मनीष यादव, जैसे मैं बात कर रही थी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन जयपुर का रुख कर लेते हैं। प्रियंका इस वक्त चर्चा कर रही है और प्रियंका ताजा आंकड़ा सामने रखिए सभी के सामने, 68 सीटों पर बीजेपी आगे, 55 पर कांग्रेस आगे और 2 पर अदर्स आगे। देखिए सबसे पहले तो न्यूज 18 के दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्कार। आरएलपी पार्टी राजस्थान में पिछले 5 साल से थी, संघर्ष कर रही थी सड़कों पे, और अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा कि आरएलपी पार्टी का स्टैंड क्या है, आरएलपी पार्टी कहां है। बहुत कम समय अभी हुआ है मतगणना का और आपको देखने को मिलेगा कि हम वो आरएलपी पार्टी जो 5 साल में मेहनत की हनुमान बेनीवाल जी ने और कार्यकर्ताओं ने, उस आरएलपी पार्टी का सिंबल पानी की बोतल है। तो प्रियंका, दोनों पार्टी का रुझान कुछ दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर रुझान आ रहा है कि वो आगे चल रहे हैं और 365 मतों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। तो इससे पहले भी आपको बताया था, बड़ी खबर हमने दी थी, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त आते हुए सरदारपुर सीट से अशोक गहलोत 365 मतों से आगे चलते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से।
तो शुरुआती रुझान से ही बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि बढ़त आपको फिलहाल मामूली नजर आ रही होगी, लेकिन अब देखना होगा धीरे धीरे रिजल्ट में जब आंकड़े तब्दील होंगे। फिलहाल 365 वोटों से आगे हैं प्रियंका जी। बिल्कुल हनुमान बेनीवाल जी, आरएलपी पार्टी एएसपी पार्टी का गठबंधन है, हम किंग मेकर की भूमिका में। कितनी सीटें? देखिए हमारी लगभग आपको मैं क्लियर बता दूं, 15 के लगभग हम सीटें जीत रहे हैं पूरे विश्वास के साथ। प्रियंका इनसे जरा पूछिएगा आगे जरूर कि पहले एक तरफ दावा कर रहे थे कि सरकार हम बनाने जाएंगे, लेकिन अब 15 सीटों पर सिमट कर आ गए हैं। आप बात कीजिए संजय जी से। बजट जो बढ़त है वो बीजेपी की तरफ है जी। बिल्कुल बढ़त नजर आ रही है, लेकिन हमें समझना होगा कि इसके अंदर कौन वोटर है। इसके अंदर सरकारी कर्मचारी हैं और 80 साल से ऊपर वाले लोग हैं, और जो केंद्रीय जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इसके वोटर हैं। तो ये अभी भी इससे ये तो पता लग रहा है कि ये चुनाव फिर भी अभी उसी जो बात में है वो फोटो फिनिश की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी ऊपर लगती है, लेकिन इन वोटर के प्रोफाइल को देखने से बिल्कुल क्लियर कुछ चर्चा जारी रहेगी आपकी। लेकिन बड़ी खबर दे दे, 73 सीटों पर फिलहाल रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, 57 सीटों पर कांग्रेस और 2 पर अदर्स। लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे जानेंगे, क्योंकि अब ईवीएम से भी काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 8:30 बजे ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जानी थी, और साथ ही चर्चा के लिए नहीं, मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक बार महेश का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता रिएक्शन आ रहे, रिएक्शन सुन लेते हैं। गणेश जी का वासुदेव देवनानी में भी जाना हुआ, उनसे आशीर्वाद लिया, रंगनाथ जी से भी आशीर्वाद लिया, करोड़ भगवान से भी लिया, घाटी के बालाजी जहाँ मैं वर्षों से लगातार आ रहा हूँ इनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। वो लगता है ईश्वर सदैव सात्विक शक्ति को। तो आइए महेश का रुख करते हैं। महेश ये बताइए कि क्या हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 73 पर बीजेपी आगे, 57 पर कांग्रेस, 2 अभी अन्य के खाते में। रविंद्र जयपुर में जो महत्वपूर्ण सीटें हैं मैं उनकी एक बार आपको तस्वीर दिखाना देना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहला अपडेट यहां पर दे देना चाहूंगा न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों को। जो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है यहां से कांग्रेस के रफीक खान जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमएलए अभी गहलोत सरकार में है, वो आगे चल रहे हैं, पहले राउंड में आगे चल रहे हैं, इस तरह की जो सूचना है वो यहां पर आई है। ये काउंटिंग सेंटर जो है वहां की आप तस्वीर देखिए, ये आदर्श नगर का विधानसभा क्षेत्र का जो काउंटिंग सेंटर है उसके पहले रुझान में, पहला जो रुझान यहां पर सामने आ रहा है उसमें रफीक खान जो है वो आगे चल रहे हैं यहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए, आप जानकारी तब तक हासिल कीजिए। सीधा श्रुति का रुख करेंगे रिजल्ट हब से हमारे साथ। आवास लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं जो कि मंत्री भी हैं प्रताप सिंह काशीवास, बोलते हुए भी नजर आ रहे थे कि इस बार हम बहुमत से जीतेंगे, कांग्रेस रिपीट करेगी, राज कायम रहेगा, रिवाज बदल सकता है। तो इसीलिए ये अब देखना ये है कि प्रताप सिंह काशीवास तो आगे चली गए हैं, लेकिन प्रताप सिंह काशीवास के साथ साथ अगर आराध्य तिवारी की बात करें जयपुर की, तो हवा महल सीट से वो भी आगे चलते हुए, मुरारीलाल मीणा भी मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो भी आगे बने हुए हैं। और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, चयनिका उनियाल जी, अब आपका रिएक्शन देखिए। अब ये फासला बढ़ रहा है, अभी तक 9 से 10 सीटें थी बीजेपी कांग्रेस के बीच में गैप, और अब लगभग 15 सीटों पर रुझान में बीजेपी आ गया, और शायद अब और भी बढ़ गया, देखिए 80 और 63 है, और ईवीएम भी खुल चुकी है। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके के रुझान मैंने हिमाचल के इलेक्शन के टाइम भी देखे थे, तब भी लोगों ने मुझे कहा था कि देखिए आप तो कह रहे हो हिमाचल में सरकार आ रही है, पर अंतिम जो रिजल्ट आए वो कांग्रेस के पक्ष में ही आए थे। रही बात, मैं यहाँ ये कह दूं कि अभी भी आयुष्मान भारत और चिरंजीवी और RGHS को तुलना करने की कोशिश की गई थी। आयुष्मान भारत सिर्फ 5 लाख रुपए का बीमा देता है, जबकि चिरंजीवी में आपको 25 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है, और RGHS में तो आपको OPD से लेकर दवाइयां तक फ्री है, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। और मैं ये इसलिए कह सकती हूँ कि जब मैंने मेरी माँ का कैंसर का इलाज करवाया था तब मैंने वहां पे लोगों को देखा है दुआएं देते हुए। सरकार मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये रुझान इसी तरह से ट्रेंड के साथ आगे बढ़ते हैं, नतीजों में तब्दील होते हैं, तो क्या माना जाए जो आप कह रही है कि वो फिर जनता ने कांग्रेस की तरफ से दी हुई योजनाओं को अस्वीकार कर दिया? देखिए मैं उस बारे में तो फिर पार्टी को सोचना होगा, लेकिन जो है ही नहीं उस पर अभी रिएक्शन देके क्या फायदा, जब रिजल्ट आ जाएंगे तो उस पर भी रिएक्शन लीजिएगा। चलिए बिल्कुल आपसे चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, टीवी ही नहीं डिजिटल पर भी न्यूज 18 राजस्थान का दबदबा कायम है। इस वक्त रिकॉर्ड दर्शक हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा दर्शक इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर जुड़े हुए हैं। रिजल्ट की लाइव अपडेट के लिए इस वक्त 5 लाख से ज्यादा दर्शक हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त रिकॉर्ड दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका भरोसा न्यूज 18 पर लगातार कायम है,
और राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हर एक रुझान, हर एक नतीजे और ब्रेकिंग के लिए वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीवी के साथ साथ डिजिटल मीडिया पर भी दबदबा कायम है हमारा। 5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त YouTube पर लाइव है और हमें देख रहे हैं, और साथ ही टेलीविजन पर तो हम अपडेट आपको दे ही रहे हैं। और बड़ी अपडेट ये भी आती हुई टैली के जरिए 159 सीटों के रुझान मिल रहे हैं, 88 बीजेपी नजदीक। अब ये कहें कि रुझानों में बहुमत के आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी में अगर फासले की बात करें तो 19 सीटों का फासला इन रुझानों में नजर आया है। 69 पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 2 पर अन्य का फिर से एक बार मैं वही जिक्र करना चाहूंगा, रुख करना चाहूंगा कि आखिर कहा यही जा रहा था कि ये अन्य बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। 94 पर बीजेपी रुझानों में आगे है, 168 सीटों पर रुझानों में बीजेपी 6 सीटों से बस पीछे दिखाई दे रही है। अलका गुर्जर की चेहरा मुस्कुरा रहा है, बहुमत को छूने के बहुत करीब। अलका जी देखिए अभी ये रुझान चालू हुए हैं, आगे आगे देखिए, हम पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता कांग्रेस को पूरी तौर से नकार चुकी है, क्योंकि वीर भूमि को शर्मसार करने का काम और तुष्टीकरण की राजनीति को जो जनता है उसने पूरी तौर से सुधरा दिया है। जिक्र किया भी कि रुझानों में बीजेपी बहुमत के करीब आ चुकी है, 94 सीटों पर बीजेपी, जो 168 रुझान मिल रहे हैं उन रुझानों के जरिए 94 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई और कांग्रेस एक बड़े फासले से अब पीछे हो चुकी है 72 सीटों पर। हालांकि अगर देखा जाए पिछले उन चुनावों की अगर बात करें, चाहे 2003 की बात हो, 2013 की बात हो, जब बीजेपी सरकार में आई थी तो कांग्रेस काफी कम सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इन रुझानों के जरिए कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन टक्कर बराबर की तो है, लेकिन फासला भी बड़ा दिखाई दे रहा है। बीजेपी बहुमत के करीब सिर्फ 6 अंकों का फासला सीटों के जरिए अगर रुझानों के मद्देनजर समझने की कोशिश करें तो यह बताएं निरंजन पोद्दार जी, रुझानों में तो बीजेपी अब बहुत नजदीक आ रही है, अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। रविंद्र जी शुरू से मैं आपको, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है और मैं आपके साथ लगातार आपके चैनल के ऊपर बैठ रहा हूं और मैं हर बार ये बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए राजस्थान एक बहुत सेंसिटिव प्रदेश है और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि वहां पे जिस तरीके से जनता को भरमाने का प्रयास किया या जनता को ललचाने का प्रयास किया, राजस्थान की जनता छोटे लालच में फंसने वाली जनता नहीं है। और वहां की जो विशेषकर नारी शक्ति, मातृ शक्ति की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि वहां पे सागा भी हुए हैं और वहां पे जौहर भी हुए हैं, तो वो महिलाएं जो राजस्थान की हैं वो चटनी रोटी खा लेंगी, लेकिन वो किसी लालच में फंस करके अपने मान सम्मान और अपनी इज्जत से कोई समझौता वहां पे बस स्वीकार्य नहीं है। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जब राहत शिविर लगे थे तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे भी थे राहत लेने के लिए। नहीं रविंद्र जी देखिए ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई आदमी कहीं पहुंचता नहीं है या इन चीजों का कोई बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता। पर मुद्दा कौन सा चैनिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए यहाँ पर बीजेपी बहुमत के करीब रुझानों में नजर आ रही है और फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप लोग 71, अब देखिए 72 हो गया है टैली, तो अभी भी आप आशान्वित? मैं बिल्कुल 11 बजे से पहले, 11 बजे से पहले इन रुझानों को देख करके अपनी ये मान लेना कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है बड़ी मूर्खता होगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि बार बार महिला मुद्दे की जो बात करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि गुजरात में बलात्कारियों को जो माफी देते हैं वो कौन है? नहीं, और आप ये देखिए जब यहाँ पे रेसलर्स जो है आंदोलन करती है तो क्या होता है, क्या हुआ? ये बात मैं आपसे सारी बातें आप लोगों ने चुनावी मंचों से कह ली। मेरा निवेदन है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मेरा निवेदन है आपसे, रुझानों में बीजेपी को बहुमत, बड़ी खबर, 99 सीटों पर बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है, रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, 73 सीटों पर कांग्रेस आगे है और अन्य यानी अदर्स भी 3 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है निरंजन पोद्दार जी, जनता पूरे मूड में थी कि इस बार क्लियर कट सरकार चुननी है, कोई कंफ्यूजन नहीं और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए देखिए गुंजाइश भी कम है अदर्स की। एक बार रट कर रुक कर लेते हैं रिजल्ट आपका, श्रुति अपडेट दे रही, बोली श्रुति। बिल्कुल आस्था जी, देखिए 175 सीटों का रुझान हम बता रहे हैं जिसमें बीजेपी लीडिंग पोजीशन में नजर आ रही है, बीडी कल्ला भी जो कि बीकानेर वेस्ट से हैं वो भी लीडिंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं कांग्रेस के हैं, और वहीं अगर हम बात करें रविंद्र सिंह भाटी जो कि बाड़मेर के शिव से इस बार प्रत्याशी के तौर पर मैदान में वो भी लीडिंग पोजीशन में है, अशोक गहलोत बढ़त बनाए हुए हैं, डॉक्टर विश्वनाथ मगे
बघेल जो कि बीजेपी से है, अंशुमान बीजेपी के कैंडिडेट विक्रम बंशीवाल जो कि दौसा के सीकर से इस बार प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हुए हैं, बीजेपी से लगातार बढ़त बनाए थे, 175 सीटों के रुझान बता रहे हैं जिसमें बीजेपी 99 सीटों पर नजर आ रही है, कांग्रेस 73, वही 3 अन्य के खाते में गई है। चलिए थैंक यू, हम फिर लौटेंगे आपके पास और निरंजन जी आपका कमेंट और एक एक और बड़ी खबर इससे पहले हम दे देते हैं। तो 100 सीटें बीजेपी को रुझानों में मिलती दिखाई दे रही है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रुझानों में बीजेपी को बहुत मिलता दिखाई दे रहा है और ये रुझान अभी 176 सीटों के ही आए हैं, अभी बाकी 23 सीटों के रुझान आने बाकी हैं, लेकिन 176 सीटों के रुझान में ही बीजेपी को बहुमत मिल गया है, 73 पर कांग्रेस, 3 पर अन्य। निरंजन जी, आस्था जी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि दोहरा मापदंड और भरोसा, भरोसा क्यों कह रहा हूं कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हिंदू महिलाओं को कहते हैं मैं आपकी पर्दा प्रथा छुड़वा करके मानूंगा, आप घूंघट छोड़िए, लेकिन जब मामला हिजाब और नकाब का आता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नकाब तो जरूरी है, हिजाब तो जरूरी है, बुरका तो जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इस तरीके से दोहरा मापदंड अपनाते हैं तो देखिए कोई भी आदमी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा। अगर अगर रिवाज कायम रहता है तो क्या लग रहा है कौन से मुद्दों ने जगह बनाई है? अभी महिलाओं की लंबी कतारें लगी वो क्या बीजेपी के वोट में आती नहीं है? और महिलाएं तो निर्णायक हैं, आधी आबादी लंबी लंबी आधी आबादी की जो बात होती है बात सब बड़ी ये बड़ी बड़ी करते हैं, आधी आबादी पे तो डिस्कशन जिस दिन हो तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहूंगी, पर यही बात अभी सिर्फ 9 बजे है, 9 बजे आप ये रिवाज बदलेगा नहीं बदलेगा पे बात ना करें, पर ये जो कह रहे हैं ना बार बार की जो है तुष्टिकरण की नीति, तो मैं मुझे ये बताइए कि इन्होंने मुद्दा तो उठाया था उदयपुर वाला, हाँ। लेकिन उसकी जांच कौन कर रहा है? INA कर रहा है, केंद्रीय सरकार के NIA कर रही है, हाँ। जो केंद्रीय सरकार के अधीन आती है, क्यों नहीं अब तक उन्होंने उसको अपराधियों को सजा दिलवा दी तुरंत कार्यवाही करके? दूसरी चीज ये जब पर्दा प्रथा की बात करते हैं तो पर्दा प्रथा अपने आप में चाहे वो किसी भी धर्म में हो, मैं हिंदू की बात नहीं कर रही, मुसलमान की बात नहीं कर रही, किसी भी धर्म में अगर पर्दा प्रथा है तो वो एक कुरीति मानी गई है और उसके खिलाफ सपोर्ट नहीं होता। बात ये हो गई है, बात हो गई है, बात ये हो गई है कि आपने कुरीति का कहा भी नहीं बोला था। मैं ये कह रही हूँ, फिर मैं क्या पर्दा प्रथा की मैं ये कह रही हूँ या फिर सर पे पल्लू की बात हो रही है तो अब आप इसे खुलकर कुरीति कह रहे हैं? ठीक है, अलका जी का बीजेपी का भी अपने जरिया जाना चाहिए आपको इन बातों को सामने रखने का। ठीक है, नहीं दिखाई देती उस टाइम, केवल आपको चलिए अच्छा ठीक है, महेश चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन महेश दादी ये बक्से क्या है पीछे आपके? इनसे ये भी तो पूछ लीजिए कि NIA ने अब तक क्यों नहीं कार्यवाही कर दी? मैं लौटूंगी आपके बोले बोले महेश बोले जी जी बिल्कुल। देखिए रविंद्र, मैं जानकारी देना चाहूंगा, इस समय मैं राजस्थान कॉलेज में मौजूद हूं और यहां पर 9 विधानसभा सीटों के लिए जो मतगणना का काम है वो चल रहा है, डाक मतपत्रों की गिनती अलग से और ईवीएम की गिनती जो है वो अलग से चल रही है, लेकिन इस समय जो रुझान आ रहा है मैं सबसे पहले वो अपने दर्शकों को देना चाहूंगा, जहां पर मैंने आपको जानकारी दी थी कि रफी खान जो है वो आदर्श नगर विधानसभा में आगे चल रहे हैं, तो हवा महल में RR तिवारी है और हवा महल से हमारे जो साथी रोशन है वो अभी ताजा अपडेट देंगे, क्या क्या अपडेट है? देखिए जो पहले राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो गई है, दूसरे राउंड की जो मतगणना है वो शुरू हो गई है, जो पहले रुझान जो आ रहे हैं हवा महल सीट से उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं RR तिवारी वो कहीं ज्यादा आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, दूसरे राउंड की वहां पर काउंटिंग हो रही है। रफी खान का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे साथ, जोधपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन दवे जुड़ रहे हैं। रंजन, ये बताएं कि जोधपुर में सरदारपुर सीट से मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं, 365 का आंकड़ा था, बाकी का आंकड़ा बताइए, हाल बताइए। अपडेट आया है जो ताजा रुझान, जोधपुर से अगर बात करूं तो सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पहले वोट से ही लीड लिए हुए थे और वे लीड लगातार जारी है, 300 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। उसके अलावा अगर शहर की बात करूं तो एक चौंकाने वाले आंकड़े के साथ शुरुआत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के अतुल बंसाली तकरीबन 500 वोट से आगे चल रहे हैं, बहुत बड़ा एक ये आंकड़ा आया है, शुरुआती दौर का जो आंकड़ा कहा जाएगा बड़े तौर पर देखा जाएगा। मनीषा पवार यहां से पूर्व में यहां MLA रही है और इस बार भी अच्छी टक्कर में थी, लेकिन जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। हालांकि ये पहले राउंड की मतगणना है, इसके बाद में अभी आगे स्थिति और स्पष्ट होगी। सूरसागर की अगर बात करूं तो देवेंद्र जोशी और शहजाद खान में सीधा मुकाबला माना जा रहा था, देवेंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और तकरीबन 222 वोट से आगे चल रहे हैं, और 222 वोट से आगे चल रहे हैं देवेंद्र जोशी सूरसागर की। इसके अलावा अगर ओसिया विधानसभा की बात करूं, तो निश्चित तौर पर जो दिव्या मदेना है वो कहीं ना कहीं लीड बरकरार किए हुए हैं, और उसके अलावा लूणी की अगर मैं बात करूं तो लूणी विधानसभा में महेंद्र विश्नोई हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं,
तकरीबन 500 वोट के आसपास है, 481 से अधिक का आंकड़ा बताया जा रहा है। महेंद्र विश्नोई जोगाराम पटेल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनसे आगे चल रहे हैं। दो बड़े चौंकाने वाले जो मामले सामने आए हैं उसमें बिलाड़ा विधानसभा की बात करूं का स्टेटस क्या है अभी इन रुझानों में, आगे चल रही है या पीछे चल रही है? जी दिव्या मदेना के लिए मैं बात करना चाहूंगा हमारे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, चंद्रशेखर से जानना चाहेंगे। चंद्रशेखर क्या स्थिति है दिव्या मदेना के जो ओसिया विधानसभा की बात करें? देखिए बात करें तो अभी जो शुरुआती रुझान है बहुत ऊपर नीचे होने वाला है, लेकिन बात करें तो फिलहाल जो है दिव्या मदेना करीब 212 वोटों से आगे चल रही है। और नहीं लेकिन थोड़ा और अपडेट हुआ है उसमें, कुछ और अपडेट हुआ है, दिव्या मदेना पीछे हुई है। जानकारी जुटाइए, आपके पास लौटेंगे। तो विधानसभा वार सीटों के हिसाब से अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें 107 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, 80 सीटों पर कांग्रेस और 3 अन्य। सीधा आप रुख करेंगे, हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ रही है रिजल्ट आपसे। आयुषी क्या अपडेट है आपके पास, आंकड़े फिलहाल क्या कह रहे हैं? राजस्थान की बात कर ले तो देखिए 190 सीटों के रुझान सामने आए, बीजेपी 107 पर आगे है, कांग्रेस 80 पर और अन्य के खाते में 3। और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर होती हुई यहां पर दिख रही है। लगातार देखिए जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी अब बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान भी जो सामने आए थे उसमें बीजेपी बढ़त दिख रही है और अभी भी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। देखिए पूर्ण बहुमत कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी अब पार करती हुई नजर आ रही है। जो कहा जा रहा था कि बागी और निर्दलीय यहां पर खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी को एक फायदा होता हुआ दिख रहा है, लग रहा है कि पूर्ण बहुमत यहां पर मिलेगा। इस वजह से अगर लगातार हम आंकड़ों की बात करें और अभी भी आपको बता दें लीड कौन कहां से लेता हुआ नजर आ रहा है ये आपको अपडेट दे दे। देखिए अगर हम बात कर ले सीकर से तो यहां से सुभाष महरिया बीजेपी की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जालौर की बात करें सांचौर से यहां पर तो सुखराम बिश्नोई कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अलवर की अगर हम बात कर ले तो देखिए टीकाराम जूली यहां से कांग्रेस की तरफ से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए 190 सीटों पर रुझान सामने आया, बीजेपी 107 सीटों पर बढ़त बनाती हुई, कांग्रेस 80 सीटों पर और अन्य के खाते में 3। ठीक है लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त जो टैली है जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको सामने रख देते हैं। 107 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, 80 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अदर्स यानी 3 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट भी गिन लिए गए हैं, बहुत जल्दी नतीजों में तब्दील होते हुए जो आंकड़े सामने आएंगे वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। 190 सीटें बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आगे और ओसिया से कांग्रेस की दिव्या मदेना पीछे चल रही है। झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ओसिया से कांग्रेस की दिव्या मदेना पीछे चल रही हैं। दिव्या मदेना को लेकर ओसिया की सीट को लेकर कहा भी जा रहा था कि बहुत ही टफ मुकाबला है, लेकिन चूंकि ये शुरुआती रुझान है अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, कालीचरण सराफ यहां पर इस वक्त मौजूद है, महेश का सीधा रुख करते हैं। महेश में समय में कालीचरण सराफ जी मौजूद है, मालवीय नगर विधानसभा की मैं बात कर लूं सर, पहला राउंड लगभग हो गया है। पहला राउंड में 1389 वोटों से मैं लीड कर रहा हूं, तो अब आगे के राउंड में क्या उम्मीद है? 50,000 से ऊपर, क्योंकि टोटल 18 राउंड होंगे, 20 राउंड होंगे, तो पहले राउंड में 1389 वोटों से आगे हूँ, इसका मतलब 50,000 को क्रॉस करेंगे। अर्जुन जी पिछली बार अगर पिछले चुनाव को देखें काफी कम जो है मार्जिन था, पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी हमारे साथ थी, इस बार कांग्रेस के साथ है। और पूरे प्रदेश भर की जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी लीड करेगी, 135 सीट से ऊपर जीतेंगे। किस तरह से आपको लगता है कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से पूरा बहुमत के साथ में आने पूरी पूरा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूरा बहुमत प्रचंड बहुमत। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से भी किया गया था, लेकिन शुरुआत जो रुझान मिल रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सीट से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से वो पीछे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है ये, 218 मतों से पीछे चल रहे हैं। तो चयनिका जी ये बताइए कि बहुत जल्दी है, मैं समझ रहा हूं अभी बेवकूफी होगा ये कहना कि इतने जल्दी हम नहीं कह सकते जीत हार, लेकिन ये आगाज गोविंद सिंह डोटासरा जी का 218 वोटों से पिछड़ते हुए हुआ। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो सीटों के बीच बोलिए मैम आप बोलिए दो, महत्वपूर्ण ये है कि वोटों के बीच में अंतर कितना है। जब अंतर कम होता है और पहले राउंड की वोटिंग हो रही है तो आप कई बार ये होता है कि किसी एक ईवीएम में किसी एक के फेवर का बूथ हो, दिव्या मदेना भी पीछे है। हाँ नहीं लेकिन वो भी अंतर कुछ 100, 100 कुछ 20 वोट ऐसे वोट है, तो ये वोट तो आगे की काउंटिंग के अंदर कभी भी अलग पलट सकते हैं। एक तो 83 सीटें कांग्रेस के पास, 105 बीजेपी के पास, इसको भी कवर कर लेंगी और बढ़त भी बना लेगी कांग्रेस। देखिए अभी आने तो दीजिए ना,
कांग्रेस बढ़त बनाएगी? मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं। अभी तो 9 तो बजे हैं, आधा घंटा वो पहला राउंड पूरा हुआ है और आप अभी रिजल्ट निकाल देना चाह रहे हैं। यहां पे लगातार चर्चा हो रही है, मैं आपसे समझना यही चाहूंगा कि क्या लंबी कतारें जो आधी आबादी की वोट देने के दौरान दिखाई दी तो बीजेपी के पक्ष में गई है? देखिए, उससे पहले मैं वो बताना चाहूंगी कि डोटासरा जी पहले कहते थे पूर्ण बहुमत, बाद में 90 सीटों पर आ गए थे और अब रिजल्ट बता देंगे कि वो 90 पे भी नहीं रहने वाले हैं। और महिलाओं की लंबी कतार, महिला तो पूरी तौर से नकार चुकी थी इस कांग्रेस की सरकार को, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि 56% मामले फेक दर्ज होते हैं, महिला के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला स्टेटमेंट था। इनके मंत्री मर्दों का प्रदेश बताते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है लेकिन तब्दीली भी आती जाएगी। दिव्या मदेरणा अब आगे हो चुकी हैं, दिव्या मदेरणा जी यहाँ पहले पिछड़ रही थी, अब आगे हो चुकी हैं। दिव्या मदेरणा 218 वोट से, हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा पीछे चल रहे हैं, लेकिन उदयपुर शहर से बीजेपी के ताराचंद जैन आगे चल रहे हैं, गोविंद वल्लभ पीछे चल रहे हैं, डॉक्टर शिखा मील बराला आगे चल रही हैं, लेकिन जैसा हमने बताया दिव्या मदेरणा को लेकर ओसिया विधानसभा सीट से अब वो आगे हो चुकी हैं चौमू से। फिलहाल ये डॉक्टर शिखा मील बराला की आपको स्टेटस पता चल रहा है, रुझानों में वो आगे चल रही हैं जी। और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ा हुआ है, निरंजन पोद्दार जी, अब देखिए टैली कुछ बदला है। अभी तक लगातार जो है रुझानों में बीजेपी आगे हो रही थी, अब सीटें कम होनी शुरू हुई हैं। 105 पे बीजेपी है, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, 83 पर कांग्रेस आ गई है और 3 अदर्स वो आगे चल रहे हैं। देखिए आस्था जी, मेरे हिसाब से जिस तरीके से अभी रुझान चल रहा है, ये रुझान बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जो हमारे अनुमान थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी 105 और ये कांग्रेस 83 पे दिखा रही है, तो निश्चित रूप से आप ये देखिए, मेरे हिसाब से जो हमारा अनुमान था वो 115 सीट प्लस माइनस 5% का था, और इसके अंदर अभी 10-5 सीट ऊपर 5-7 सीट ऊपर नीचे होने की संभावना बनी रहती है, तो उसके बारे में तो अभी कुछ भी बोलें जल्दबाजी, लेकिन मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि राजस्थान की जो जनता है वो आप ये मान के चलिए जिस तरीके से उनको 4 साल उनके साथ एक तरीके आप ये मानो कि उनके साथ मजाक हुआ, मखौल हुआ, और लास्ट के 1 साल में उनको घोषणाएं करके और उनका मुंह चुप कराने की कोशिश की या उनको खरीदने की कोशिश की, मेरे हिसाब से ये भी तो आप मान रहे होंगे अभी शुरुआती रुझानों को देखकर कि टक्कर जो है जबरदस्त देखने को मिल रही है, एक तरफा नहीं जा रहा है मुकाबला। रविंद्र जी, अगर मेरा निजी मत पूछेंगे तो मेरा यह मानना है कि अगर ये जो रुझान है इनके अंदर पोस्टल बैलेट का बहुत बड़ा योगदान है अभी तक, और पोस्टल बैलेट के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के मुद्दे को इतना हाइप करने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी पोस्टल बैलेट के अंदर अगर इतना अच्छा निकल करके जा रही है तो मैं तो बहुत ज्यादा आसान भी हूं, बल्कि मैं तो अब 125 से भी ज्यादा आसान भी हूं। ठीक है, अलका गुर्जर जी, 105 बीजेपी, 83 कांग्रेस, लगातार कांग्रेस बढ़त की ओर है, मतलब सीटें जो है वो बढ़ रही है, पहले जो मार्जिन बहुत ज्यादा दिख रहा था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, 100 की तरफ कांग्रेस भी बढ़ रही है। देखिए 100 से बहुत पीछे है और हम 100 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन कम भी हुआ है, आप 107 तक पहुंचे, अब ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट अंत में जाकर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इस बारे में हम पूरी तौर पर आशान्वित हैं, पूरी तौर पर हम ये बात मान रहे हैं, क्योंकि जनता का जो हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम हो रहा है वो आप बता रहे हैं कहां क्या हो रहा है, बट वोटों की गिनती ये बता रही है कि बीजेपी आ रही है। नहीं मैम, बुकिंग तो राजनीतिक दल ही कर रहे होंगे ना? हाँ कर रहे होंगे, कौन से दल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर की? बिल्कुल नहीं, बीजेपी को फिर किसको? हम जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमें हेलीकॉप्टर और रिजॉर्ट्स की पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डॉक्टर चयनिका उनियाल जी, तो आप लेके गए थे ना, लेकिन चयनिका जी मैं जो खबर हमारे पास है कांग्रेसी खेमे में जरूर नींद उड़ी हुई है। चयनिका जी मेरा सवाल, सरकार भी बीजेपी की थी। ठीक है, चयनिका जी मेरा सवाल, कांग्रेसी खेमे की नींद उड़ी हुई है क्या? अशोक गहलोत लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, अचानक सुना है कभी भी फोन करके सबकी हाजिरी ले ली जाती है, मीटिंग, सबके संपर्क में रहना, कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि इंटैक्ट रहे। नहीं, देखिए गहलोत साहब को मैं आज से नहीं 2003 से जानती हूँ, वो हमारे जब NSVI यूथ कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे तब से जानती हूँ, और उनका संपर्क में रहना और लोगों को उत्साहित करते रहना उनका नेचर है, और ये अच्छी बात है कि जो हमारे इस समय सारे कैंपेन का चेहरा थे और जिनके मुख्यमंत्री काल में इतने अच्छा काम हुआ, वो अगर अपने लोगों से बात नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए, उन्हीं को बात करनी चाहिए ना, बीजेपी के नेता तो फोन लगाएंगे तो वो गड़बड़ है।
ठीक है, ये लगातार टैली तो दिखाई दे ही रही है दर्शकों को, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बार ग्राफ के जरिए भी बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी अभी 104 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए, और कांग्रेस की बात करें तो 86 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए रुझानों में, अन्य के खाते में अभी रुझानों में 5 ही सीट दिखाई दे रही है, 104 बीजेपी, कांग्रेस 86 और अन्य 5 यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बांधती है ये चयनिका जी आपकी, किस तरीके से अब इसमें और ज्यादा फेरबदल होगा और कांग्रेस बढ़त बनाएगी? देखिए, कांग्रेस बढ़त बनाएगी, मैं फिर से कह रही हूँ, आधी जीत तो यही है कि अभी भी टक्कर में है, अभी तक बीजेपी की भी सरकारें रही लेकिन कभी कोई टक्कर में नहीं रहा, हेलीकॉप्टर का इंतजाम नहीं हो रहा। अगर प्रतापगढ़ जो वो इलाका जहां पर ट्राइबल पार्टीज खड़ी हुई है तो उनको लामबंद करने की, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं बीजेपी के, नहीं इन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया या और कई जगह पे किया, मतलब हेलीकॉप्टर है ना जोड़ तोड़ का, हेलीकॉप्टर की जरूरत भाजपा को कहां पड़ती है, तो लोगों पहली बार इनको महाराष्ट्र में पड़ी थी जब ये लेकर के गए थे। नहीं नहीं, शिवसेना को लेके कहां गया भाई, जहां लेकर गए वहां भी भाजपा की सरकार थी। फिलहाल टैली को देखें निरंजन जी, ये कह रही है क्या लग रहा है, कांग्रेस जो है मजबूती से चुनाव लड़ा है कांग्रेस ने, मतलब ऐसा सुपड़ा साफ होने जैसी तस्वीर तो नजर नहीं आ रही है किसी एक। जी उनकी बात आना ये कहना कि हम टक्कर में तो आए, यही हाँ। इनका मनोबल बता रहा है क्या खबर बड़ी इस वक्त आपके पास। देखिए, अगर हम बात हवा महल सीट की कर ले, यहाँ से जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो आपको बता दें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चली है और हमारी सहयोगी अपडेट कर रही है, बालमुकुंद आचार्य यहाँ पर देखिए बीजेपी की तरफ से पीछे होते हुए और आरत तिवारी यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि देखिए अब जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस में। और जो अभी करंट अपडेट है वो आपको बता दें, 195 सीटों का रुझान सामने आ गया, बीजेपी 104 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 86 पर और अन्य की बात कर ले तो 5। और यहाँ से लगातार हम आपको अपडेट दे, ये टैली आपको दिखा रही है, कोटा से अगर बात कर ले तो देखिए संदीप शर्मा बीजेपी की तरफ से यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, शाहपुरा से मनीष यादव कांग्रेस की तरफ से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, कोटा की बात कर ले तो देखिए शांति धारीवाल कांग्रेस की तरफ से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर देखिए अब जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ही समय का इंतजार है जब यहाँ पर रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। हम आगे भी आएंगे अपडेट के लिए, तो फिलहाल हमारे साथ गेस्ट पैनल है निरंजन पोद्दार जी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है, टक्कर देखने को मिल रही थी। बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में कमान संभालते हुए नजर आते, अशोक गहलोत जनसंपर्क करते हुए नजर आते, अभी रुझान क्या करें सर? देखिए, अभी पहले राउंड के जो काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और रुझान आप सबके सामने हैं, और न्यूज 18 पल पल की जानकारी डायरेक्ट काउंटिंग सेंटर से दर्शकों को दे रहा है, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, अभी एक आध घंटे में जो है पूरी पिक्चर सामने आएगी, उसके बाद ही दर्शकों को पता चलेगा कि वहाँ क्या होने वाला है। बिल्कुल सर, इतनी बड़ी टीम हमारे साथ काम कर रही है, अलग अलग राज्यों के यहाँ पर अपडेट दिए जा रहे हैं, ये टीम कैसे काम कर रही है, क्योंकि आपके समक्ष देखिए इतने सारे लोग हैं और पल पल की अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, कितने देर का और हमें इंतजार करना होगा जब तस्वीरें क्लियर होंगी? देखिए, अभी आज 4 स्टेट्स में जो काउंटिंग हो रही है उसके लिए 171 काउंटिंग सेंटर्स टोटल है, 171 काउंटिंग सेंटर्स में हमारे अपने 250 रिपोर्टर्स स्ट्रिंगर्स काम कर रहे हैं, और वहाँ से डायरेक्टली ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस कॉल सेंटर के साथ, डायरेक्ट काउंटिंग सेंटर से, और वहाँ से जो वो नतीजा है या ट्रेंड हमें देते हैं वो स्क्रीन तक आने में सिर्फ 5 सेकंड का समय लगता है। तो बस अभी 2-3 घंटे में पिक्चर जो है सामने आएगी, सभी ट्रेंड्स हम क्लियर करेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कौन कहां सरकार बनाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए लगातार हमारी इतनी बड़ी टीम है और पल पल की अपडेट आपको दे रही है, और राजस्थान की अपडेट के लिए हमारे साथ ये बड़ी टीम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अभी जो करंट अपडेट है वो हम आपको बता दें, 196 सीटों पर रुझान सामने आया, बीजेपी 103 सीटों पर और कांग्रेस 86 और अन्य के खाते में 7। उदयपुर शहर में देखिए कांग्रेस के गौरव वल्लभ पीछे है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ओवर टू यू रविंद्र। बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन बीकानेर पश्चिम से दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीडी कल्ला वहां पर पीछे चल रहे हैं, और इसके अलावा हवा महल की बात करें तो आरा तिवारी इस सीट से आगे चल रहे हैं। मैं रुक निरंजन पोद्दार जी का करूंगा, निरंजन जी ये उम्मीद करें क्या अब इन रुझानों के बाद कि नेल बाइटिंग फिनिश का आज मुकाबला देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से रविंद्र जी, देखिए अब सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से अभी रुझान चल रहे हैं, मेरा अनुमान अभी भी उसी
अब तो स्थिति ये है कि अब राजस्थान के अंदर कहानी ये चलेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और उसके अंदर मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी मेहनत और कसरत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जिस तरीके से वसुंधरा जी को इन्होंने पीछे किया था और सेंट्रल के चेहरे के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर मेरा ये मानना है कि 105 से 110 सीटें होती हैं तो अगला मुख्यमंत्री शायद राजस्थान का वसुंधरा राजे सिंधिया ही नजर आ रहे हैं मुझे। एडिटर न्यूज 18 राजस्थान अमित भट्ट इस वक्त मेरे साथ राजस्थान विधानसभा से जुड़ रहे हैं। अमित जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं, खबर ये भी मिल रही है कि प्रतापगढ़ में हेलीकॉप्टर को लैंड करने की परमिशन ली जा रही है, क्योंकि साथ ही साथ अगर रुझान और नतीजे आएंगे तो फिर दूसरी तरफ से राजनीतिक दलों की तैयारी भी शुरू हो रही है। बिल्कुल, हम बात भी कराएंगे न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कह रहे हैं रुझान? प्रियंका, ये देखिए, आज हम जयपुर में हैं और यहाँ सुबह से ही मौसम जो है वो बिल्कुल ओवरकास्ट है, बादल छाए हुए हैं, हवा में ठंडक है, लेकिन जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पर गर्मी ला दी है। अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी को जो है वो बहुमत से ज्यादा जो है सीटें मिल रही हैं, लेकिन ये जो रिजल्ट्स हैं ये अभी शुरुआती रुझान हैं, जिनमें मोस्टली जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो खुले हैं, लेकिन इसमें भी अगर ये माने कि पोस्टल बैलेट्स की अगर देखें, बात करें, तो ये मोस्टली जो है वो चुनाव की ड्यूटी में गए थे, जो सरकारी कर्मचारी थे उनके हैं, तो ओपीएस इनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और इसमें अगर कांग्रेस पिछड़ती है तो ये माना जा सकता है कि आगे के नतीजे जो हैं वो इनसे और ज्यादा अलग तरीके के हो सकते हैं। जब एक दो राउंड की मतगणना हो जाएगी, ईवीएम से जो शुरू हो रही है वो एक दो राउंड की हो जाएगी, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी, और तभी मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये माना जा सकेगा कि कौन सी पार्टी पूरी तरह से बहुमत लेने जा रही है। बिल्कुल, तो तस्वीरें कुछ ही समय में साफ भी होंगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कुछ और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय करा देते हैं। योगेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। योगेंद्र जी, कहाँ है आम आदमी पार्टी, कितनी सीटें ला रहे हैं, अभी तक तो कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसा अभी भट्ट जी ने भी कहा है कि प्रारंभिक रुझान, अभी तो मतपेटियां खुलनी शुरू हुई है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आम आदमी के साथ रहेगा और आम आदमी को आम आदमी का सपोर्ट मिलेगा। तो योगेंद्र जी का कहना है कि आम आदमी को आम आदमी का सपोर्ट जरूर मिलेगा, क्या लग रहा है मोहन जी? और एक सवाल आपसे पूछना भी था कि दूल्हा कौन है, पार्टी सज धज कर तैयार है, बारात निकलने वाली है, दूल्हे का पता ही नहीं है। प्रियंका जी, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी पुरानी पार्टी है, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। बातचीत जारी रखिए, लेकिन बीजेपी ऑफिस में पूरा इंतजाम किया गया है जयपुर में, बड़ी स्क्रीन लगाकर इन रुझानों और नतीजों को देखने का। और खास बात यह कि हमारा चैनल यानी न्यूज 18 राजस्थान को बीजेपी ऑफिस में रुझानों के साथ और नतीजों के साथ देखा जा रहा है, और बड़ी संख्या में अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे प्रत्याशी या यूं कहें कि जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बीजेपी के पक्ष में अगर ये नतीजे तब्दील होते हैं तो यहाँ कुर्सियां बैठने के लिए नहीं बचेंगी। एक बार फिर से प्रियंका, आप ही का रुख करते हैं। बिल्कुल रविंद्र, लगातार हम चर्चाएं भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, रुझान भी लगातार दिखा रहे हैं महासंग्राम 2023 को लेकर। जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो सबसे पहले सबसे तेज सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। शैलेंद्र जी, बीजेपी पार्टी जीत का जश्न भी मनाने लग गई है, अभी बीजेपी कार्यालय से भी तस्वीरें दिखाई, कार्यालय सज धज कर तैयार है। देखिए, जिस तरह से राजस्थान की जनता ने वोट डाले हैं और जिस तरह से मत प्रतिशत बढ़ा है, जो बताता है कि 5 साल कांग्रेस की जो गहलोत सरकार रही, जिसने अटूट भ्रष्टाचार दिया, महिला अत्याचार दुष्कर्म दिए, बिजली की दरों को बढ़ा दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, युवाओं के साथ धोखा किया, ये सारी तमाम बातें जो हैं वो जनता में, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं, अंडर करंट है, निश्चित तौर पर अंडर करंट है। कांग्रेस पार्टी की विदाई हो रही है, जिस हिसाब से आप प्रारंभिक रुझान देख रहे हैं भारत है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। एक बार फिर से वही सवाल, सीएम कौन होगा? देखिए, इस बार चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़े जा रहे हैं, पहले विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यहां हमारे लिए मुख्यमंत्री होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने देखा होगा कमल का फूल ही हमारा पहचान है, शान है,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कमल के फूल पे लड़े थे, माननीय वसुंधरा जी भी या जितने भी हमारे शीर्ष नेता हैं सब कमल के फूल पे लड़ते हैं। आने वाले समय में विधायक दल की बैठक होगी। ठीक है, कमल का फूल खिलेगा या लोगों का साथ हाथ के साथ जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नतीजे कुछ समय में क्लियर भी हो जाएंगे, लेकिन मानाराम जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो पार्टियां हैं वो आरएलपी के बोतल से पानी पिएंगी। जी देखिए, बगैर पानी पिए मैंने आपको पहले भी कहा सरकार नहीं बनने वाली, आरएलपी एसपी के बिना सरकार नहीं बनने वाली। और आप सवाल कर रहे हो बार बार दोनों पार्टियों से, कह रहे हो कि आपका सीएम का चेहरा कौन है। मैं तो आपको कहना चाहता हूं इनके पांच पांच दस दस मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो चार पांच मुख्यमंत्री तो इनके आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है टोंक से, सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, शुरुआती रुझानों में टोंक विधानसभा सीट से सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं, तो बड़ी खबर इस बीच आ रही है। लेकिन आयुषी गुप्ता का भी एक बार सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रिजल्ट हब से मौजूद हैं। बिल्कुल रविंद्र, देखिए टोंक हॉट सीट है और सचिन पायलट 4868 ये